सारी रात सुभान जागी जन याद कयो उनजे अब्दुल लतीफ से मिटियल धुमान कौड़े कन सलाम अचो आसन उनजे असा उनजे आसन ते आया हूं जो पैगाम सिंधी बोली जो सबनी का वडो मकतब फिक्र है असन जे लाए रहनुमाई जी वाट है लाट है रोशनी है सोजरो है सुहाव है जिते भी असा मुंझूं था शाह जो रिसालो खोलूं था शाह जे रिसाले मझा असा के मुर्शिद लतीफ जो रहबर लतीफ जो पैगाम असा के राह दिखारे तो रहनुमाई करे तो जिंदगी के हर शोबे में असा जी रहनुमाई करे तो यकीनन मुझी खुशकिस्मती जो कौड़े भेरा इतने अचण का एक दफो वरी इतने अचने मौको मिलो है मैं उन सहन में मौजूद आया जो इब्तदाई सहन है भलार भिटाई के दरगाह में दाखिल थे जो मुझे पस मंजर में तुम बुबा ऐसो पाया तो मर्कजी कुबो है भलार भिटाई के दरगाह जो जैमें पा दाखिल थन्दूँ थोड़ी देर में उन अग में जो एंट्रेंस है मेन एंट्रेंस उ कुबे सा उनको दरवाजो है वो जो दरवाजो उन कुबे से मुश्तमिल है मर्कजी सहन में तुम ऐसो पाया मुझे कैमरा तक दिखारे पई तो खोड़ सारा भिटाई जहा पांधीड़ा इतने सुबह जो पहर है पौना बारह पे थन मंझन जहा तो इतने टी धमाल से मेड़े की टी धमाल से तुम मुख्तलिफ़ जायरीन के ऐसो पाया के रात के आराम का पोए उथिया के थकल आन के हाँ पौता के इतना वरी झोक शरीफ वजन की तैयारी में आन अज का वरी सूफी शाह इनायत जो मेड़ो झोक शरीफ में जै जो खेड़े सो खाए जो फलसफो दिनों उन दरगाह में शुरू शुरू थी चुको है सो भलार भिटाई के दरगाह में हलूँ था पसूँ था वरी सागी रोशनी सागी लाट सागो सोजरो जैके ऐसी असा उत्साह मिले तो नाजिन तक भलीकार था चूँ अस भिट की नगरी में वक्त भिटधणी सरकार के दरगाह के बिल्कुल भरसा मौजूद आया हे मुझे पस मंजर में जो कदीम इमारत तक नजर अचे पी कदीम ओताक है जै ओताक हाल धागा की रस्म थी है हाल धागा की रस्म चाहे अस यकीन बुधाइंदूँ अज सोरह सफरुल मुजफ़र की तारीख है यानी मेड़े की टी धमाल है टी धमाल जो सुबह जो इतने एक रस्म थी है जैमें हज़रत शाहबलती भिटाई रहमत अलह जहा जे तबरुकात उन्होंने वाबस्ता जाती उन्होंने वाबस्तगी वाली जो शूँ आम के नुमाव लाइ पेश इतने जायरीन इंदा साई जहाँ मुरीद इंदा जो उन्हें जो दीदार कह हर साल की यह रस्म है उन उत दुआ थी है इन तकरीब के हवा से अस तफसील से ालसूँ पर तफसील से ेखारी हलां तो हिंदी मुझे पस मंजर में इमारत है इं सैयद निसार हुसैन शाह लतीफ़ी जे भिटधणी जी दरगाह जहा यारह गादी नशीन हुआ उन्हें इस्तेमाल हेठ रही या उताक जै रस्म जो जिक्र यानी हाल धागा की रस्म जो उत ही मुनद थी है उनखे हाँ जो बारह सजा नशीन सैयद वकार हुसैन शाह लतीफ़ी साहब उ भी हर साल सोरह सफरुल मुजफ़र से यानी टी धमाल से इंका तकरीब आन उयरीन के हजारे जायरीन की मौजूदगी में इत ही अंजाम दींदा मुझे नाजरन के लिए यकीन इकड़ी नई खबर होंगी या इन हवाले से मालूम आता है बिल्कुल नहीं होंगी मुझे नसीर साहब मौजूद हैं नसीर मिर्जा साहब यकीन कें तारफ़ जहा मोहताज ना हूँ भी ब्रॉडकास्टिंग अदब ए तारीख ए तहजीब तमंदर के हवा से जातल सुनातल नालो पर मेले की तकरीबात में भी नसीर साहब जन के यकीन मुसलसल ऐसो पाया चाहन्दस तो इन तकरीब के हवा से कुछ गाल नसीर साई जन से क्यों हक मौजूद साई सदा मौजूद या अली मदद असी हिन वक्त जे हवेली में जे उताक में मौजूद आयूं ये इन जा दर दीवार इंतहाई मुतबर्रिक हैं छाकाण त असा गुजरियल टीहन चालीहन वरियन में जेके गादी नशीन सरकार जा रहा शाह लतीफ़ जा उहे सब उन्हनि जी हाल धागन जी रस्म हिता का थी मूं जॾहिं खां ॾिसण शुरू कयो त साईं सरकार गुलाम शबीर शाह लतीफ़ी साहब जिन उनखां पोइ साईं निसार हुसैन शाह साहब जिन जी हाल धागा उनखां पोइ साईं सैयद वकार हुसैन शाह साहब जेके हिन वक़्त गादी नशीन आहिनि जिनखे माशाल्लाह शाह लतीफ़ हूअं ई आलमगीर शायर आहिनि पर सॼी दुनिया में मीडिया जे कम्युनिकेशन गैप ख़तमु थी वञण जे करे हाणे सॼी दुनिया जा सूफ़ी जेके तसवुफ़ खे सम्झनि था उहे साईं सैयद वकार हुसैन शाह साहब जिनखे सम्झनि था उन्हनि जी उन्हनि सां वाक़फ़ियत आहे आगाही आहे ज़बानुनि ते दस्तरस आहे सिंधी उर्दू अंग्रेज़ी सराइकी इन्हनि सभिनी जे करे हुनजो मल्टी आइडेंटिफिकेशन जेका है वह थी चुकी है
इन दरगाह के गादी नशीनी जो जो सिलसिलो है तहां के खबर है त शाह साईं जे दरगाह में अंदर जडे दाखिल थियण जी सआदत जेके मिले थी त संदन जारी मुबारक में सिर्फ हिकड़ी यादगार तुर्बत है वह संदन अवल गादी नशीन सरकार सैयद जमाल शाह जिन जी है जेके करीम पोटा हैं बिटाई सरकार जिन जे बिल्कुल दादाण के केड़ में संदन सौट जा फर्जंद हैं जिनके बिटाई पैंजो पुट कर सड्यो है वंगे विलास में जडे बिटाई सरकार करबला जी ज़ियारत लव्या हैं उते साईं जमाल शाह संदन बेपनाह खिदमत कई है बिटाई जा आखिरी डी हुआ दुनिया में विसाल जा बुरके मटाण जा यानी कि उन विसाल का ही गुलाम शाह कलोड़े जो बादशाहत जो जमानो है ही अरड़ी सदी इन के पा सड़ूं था कलोड़ा राज हुयो आई सरकार जी जडे विसाल थी वो म्यूजिक ते थियो है ताई खबर है त दुनिया जे सिंध जे बिन अजीम सूफिन जी जेको विसाल है वो दौरान मौसीकी जे थियो है जिन में मख्तूम मुईन ठारो जेको बिटाई सरकार खुद मौजूद है संदन विसाल में खुद शाह लतीफ जिन जो जेको हवेली है तख्तगाह है जिते पाण दुनिया में रवाना थिया हैं त संदन जेका रस्म है असि सिंध में त उन वारिस जो हों औलाद नरीना जो सिलसिलो जो हों सैयद जमाल शाह साहब जिन के दस्तारबंदी थी है तक बेहद योड़ी तमाम अहम गाल है अहवाल शाह अब्दुल लतीफ भिटाई मीर अब्दुल हुसैन खान सांगी ये अवायली हवाला त गुलाम शाह कलोड़े साहब जो वक्त जो बादशाह है खुदा आबाद सामू उन तख्तगाह है गुलाम शाह ताई खबर है ता अमा गुला जो फर्जंद है बिटाई साहब के दुआन से पैदा थो है उनो नालो गुलाम शाह तो असं इं था वटूँ पर उन जो असल नालो है गुलामे शाह शाह जो गुलाम त उन पैंजे हथन सा दस्तार मुबारक जो वर दिनो है पहरियों असां जेको दस्तार जो वर असांजी खुशनसीबी थी हिकड़े लिहाज का त साईं गुलाम शबीर साईं जिन विसाल कयो त सरकार निसार हुसैन शाह साहब जिन जॾहिं दरगाह जे सहन में गादी नशीन थिया त सॼी सिंध जे आलिमन अदीबन दानिश्वरन शायरन संदन दस्तार जो वर ॾिनो ऐं वरी असांखे इहा बैत असीं सैयद निसार हुसैन शाह साहब जिन जे हथ ते असांजी बैत असीं हुन जा मुरीद आहियूं हूँ तो पा चवंदा तो असं मौला अली जहा मुरीद आयो असो मुरीद खादमे जो सिलसिलो सिर्फ अली के दर जो है छो तो नागा नानी हलिया इंगला चा अली देखी जिन द्वारका महसन मली आगे जिन अली आउन जी उन असो हिंर हाजिर जो असो मुर्शिद है विटाई सरकार के तसलसल में वो मुसे डिठा माओ जिनी डिठो पिरिन के छाकण त ही नसल दर नसल वो निगाहूं हैं जेके अचन पयूं मुसे डिठा माओ जिनी डिठो पिरिन के तनी संधी का करे न सका गालड़ी त असि इन वक्त इन हवेली में जिते मौजूद आयूं उन में हाल धागन जी रस्म जो जो थी चुको है हाल धागा छा हैं ये भिटाई साहब के इस्तेमाल जो शयूं हैं तबरुकात हैं जिनमें आऊं जुतिए का शुरू तो थिया तो वह कखन जी एकड़ी तमाम एंटीक भिटाई सरकार हूं तो सभी लिखो है सरकार जी मर्जी होंगी तो पेरन उघाड़ा घुमन या जुती पाए घुमन छाकाणि त ही सजो वारियासो इलाको है किराड़ जो किनारो संदन फेवरेट सैरगाह रही जिंदगी के आखिरी डीन में जुती मुबारक का पो वरी सरकार जो मुसलो है जैसे पाना नमाज पढ़ा बैरागी है जिते भी फिक्र कंदा या उनकी तस्बीह है ये उन इबादत जहाँ गुड जो दस्तार है या जो पग है जो कारे उनते कारे रंग ज धागन से वह उणल है वो तमाम कोहना है जबून थी वेल है पर एक तमाम ये चाहिए तो यादगार शह ही समझा तो शाह लतीफ की दरगाह से असं जैसे अचूँ तो उन हिस्सा एकड़ो भिटशाह सकाफती मर्कज़ है जो हुकूमत सकाफत के जेर इंतजाम है जी साई जी एम सैयद मीरा मोहम्मद शाह डॉक्टर बलोच साहब मखतूम तालिबुल मौला हमीद आखून मुमताज मिर्जा उन हाँ सरदार शाह साहब के दौर तई वो तमाम उनकी बेहतरीन तरीके से उनकी निगहदारी थे थी सवें किताब शाया थी चुका है जिनमें गंज बुनियादी है जो इस्माइल खाहोड़ी साहब जो शाह लतीफ़ के खुलफाए अवल में शुमार थे तो हू भिटाई सरकार के 80-90 साल के दौर में है यानी भिटाई के विसाल के 80-90 वर्न का मोहम्मद अजीम जो जत है बड़े जे ढोरेवारो वो खुशनवीस हो खुश खत हो उनका उन तहरीर भिटाई जो पूरो गंज जो दरगाह में पढ़ो वो उनकी कॉपी तैयार कराई उनके डिलक्स एडिशन में मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साईं गुलाम शबीर शाह साहब जिन की मिलियल मेहनतुन से वो शाया थी चुको है जो अंग्रेजी में तर्जुमो आगा सलीम साहब किया है उर्दू में तर्जुमो आगा सलीम किया है कल्चर डिपार्टमेंट शाया किया है तो ये सजो ही जो अजोको ही शाह लतीफ के मेले जो मेन इवेंट है वो सरकार के टीजे की निस्बत में गादी नशीन की जी दस्तार बंद
बंदी की हिकड़ी रस्म है जिनके हालत आगा सड़े वेंदो है वही मेहरबानी तवाज तफसील से आगाह करण के लिए जी माई नियामत वाली रिवायत है तो उन वरी वो सजो शाह जो रसालो रकम कराया लिखाया इनमें केतरी सदाकत है यह बिल्कुल सदाकत है शाह लतीफ जहा बुनियादी जो रिसाला हाँ ही जो तस्करो असं कर चुकासी यो तो बुनियादी तरह से है गंज जो फुकरा शाह लतीफ़ की मौजूदगी में तसद त उन में हर तरह की जो पूरे बरसगीर ज मौलाना रूमी का वी अस माधुलाल हुसैन ताई जो भी शाह लतीफ़ जहा सीनियर्स हुआ उन कलाम भी तो फुकरा खी हा निशानी सुखड़ी तौर से वो भी जितो भी उन वक्त फुकरा के सीने से लिखो पो हो वो उन गंज में दर्ज थी वो माए नहमत वो जो शाह जो रिसालो है खालिस शाह लतीफ़ के नस्बत में जो शाह लतीफ़ है छकड़ छंड छाण की जरूरत पी है हि दौर हि दिमाग जो वो परख की कसवटी पूरी जानन था असा के खबर है तो हि जो लहजो है हि जो डिक्शन पा जैसे चाहूँ था तो हि लैंग्वेज हि स्टाइल अवल अलाह अलीम आला आलम जो धनी हि सिर्फ भिटाई सही सके तो आगह जिन अली आउन जींदी उन ही भिटाई जो डिक्शन है ये कें भी हमसर या कंटेम्प्रेरी है या जूनियर या जो बेन जहाँ नाला वरतन था वो ना है अली पुट अमोट कंधा राड़ो रुक सी कदें गाड़ो घोट कदें मड़ मकाम में वारी सदो घोट अडे अडबो केतरो हि इनते को बराया आनी को दुनिया में स्कॉलर मौजूद है कंप्यूटर एकड़ो अल्ट्रासाउंड तेजे इतने भी मौजूद है जैमें तुम विझो तो खबर पवी तो हि सागी शै है मीर तकी मीर जो डिक्शन गालिब जो डिक्शन इन नाला इन कर तो वहाँ तो दौरे हाजिर में मान खबर है फैज़ अहमद फैज़ जो हबीब जालिब जो डिक्शन मुख्तलिफ है नासिर काजमी जो मुनीर न्याजी जो डिक्शन धार है सुम सुबा नालो न भी लिखो तो खुशबू बुधाई तो हि कड़े बाग जो गुल है सो असा जो शाह लतीफ़ जो माए नहमत वो जो रिसालो है वो की कदर 75% आउं चई सकां थो त उन में जेको है सो शाह लतीफ़ जी पंहिंजी आहे हू मिक्स्ड आहे जिनखे पोइ वरी बुज़ुर्गनि दाऊद पोटो साहिबु आहे गुरबख्शाणी साहिबु आहे ख़ुसूसन गुरबख्शाणी साहिबु आहे उन में हिकिड़ी छाकाणि त हू हिकिड़ो परॾेही आलिम हो ॾेही आलिम हो पर परॾेह जो जेको इल्मु हो हुनखे जदीद जेका परख जूं कसवटियूं आहिनि कामा फुल स्टॉप एस्ट्रेसिस ऐं ॿोली जी हिकु जहिड़ाई लफ़्ज़नि जी हिकु जहिड़ाई उन जे बुनियाद ते हुन चार वॉल्यूम ठाहिया टे शाया थिया हिकिड़ो किथे गुम थी वियो हलियो पर पहिरियों रिसालो ताईं ख़बर आहे त शाह लतीफ़ जो जेको बाक़ाइदीअ सां शाया थियो आहे उहो जर्मन मां थियो आहे डॉक्टर ट्रंप आहे जंहिं शाह साईं जो 1866 में इहो रिसालो शाया करायो पर माई नहमत ऐं शाह जे मुख़्तलिफ़ रवायतुनि वारा जेके रिसाला आहिनि उहे वरी बॉम्बे वारे छापे खे हिकिड़ी अहिड़ी अहमियत ॾींदा आहिनि छो त उनखां पोइ मिर्ज़ा कलीच बेग वारो जेको उहो बि क़रीब क़रीब आहे उन्हनि सभिनी छापनि जे पर उन में बि शाह लतीफ़ 35 सुर ॾिना आहिनि पर बुज़ुर्गनि छंडे छाणे शाह खे सुञाणे 30 सुरनि ते मुश्तमिल रिसालो शाया करायो आहे जेको कल्याण खां यमन कल्याण खां शुरू थी सुर बिलावल ते ख़तमु थिए थो जंहिंमें अंदाज़न गुरबख़्शाणी वारो या अमूमन जेके छंडे छाणे बैत साम्हूं आया आहिनि उहे 6,650 ऐं 225 वायूं आहिनि जिन जे लाइ इहो आहे न जीअं हदीस कुदसी हूंदी आहे त बाबा हीअ मुसदिका हीअ रसूल पाक जो चयल आहे त इहे जेके 6,650 बैत ऐं 225 वायूं उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी आलिमनि जी छाकाणि त पाण खे ट्रस्ट करिणो पवंदो उन्हनि वॾनि पारखू लतीफ़ शहनास असांजी उन्हनि खे उन असांखे उनजी ॻाल्हि मञणी पवंदी त हीअ जेको हिननि ॻोल्हे ॾिनो आहे इहो बिना कंहिं वधाव जे इहो भिटाई आहे त उहो 6,650 भिटाई आहिनि 225 वायूं आहिनि जेके बॉम्बे छापो आहे डॉक्टर ट्रंप वारो छापो आहे पर ब्रिटिश म्यूज़ियम वारो छापो आहे पर वरी भी इन सभी तहकीक जो सफ़र जारी है वरी इन दौर में असांखे गुलाम मोहम्मद शहवाणी साहब उन जो पढ़णी मुकरर कई जेरू जबरू उनके तमाम सरकारी सतह से पाकिस्तान में गुलाम मोहम्मद शहवाणी वाले साले के निहायत अहमियत दिनल है वही मेहरबानी नसीर साहब तक वक्त दिनों नाजरीन तवें नसीर साहब तफसील से बुधा तो हिंदी हाल धागा वाली रस्म है वह हाल धागा वाली रस्म शाह साई के तबरुकात के उनके मुरीदन उनके अकीदतमंदन जायरीन जो मेले जहा जायरीन उन्होंने सामू
ॾेखारणु पेश करणु ऐं ख़ासि तौर ते उन यादि खे ताज़ो करण जी रस्म खे चयो वेंदो आहे, जेका यादि साईं जे टीजे जे मौक़े ते 16 सफ़रुल मुज़फ़र जॾहिं असां उन वरह जो ज़िक्र करियूं था 1665 ईस्वी आहे ऐं 1752 इहो 1665 हिजरी आहे ऐं 1752 ईस्वी आहे, जॾहिं भलारे भिटाईअ जे विसाल खां पोइ बुरके मटाइण खां पोइ 3 ॾींहनि खां पोइ जेका रस्म असां वटि पाण वटि सिंध में जिते किथे थींदी आहे त जॾहिं कंहिंजो विसाल थींदो आहे त उनखां पोइ उनजे फर्ज़ंद खे या जेकॾहिं उनजो औलाद नाहे त पोइ उनजे भाउरनि जे औलाद मंझां या भाउरनि मंझां कंहिंखे उहा जेका दस्तार आहे उहा जेका पग आहे उहा उनजे मथे ते रखी वेंदी आहे। त इहो जेको जंहिं साल जो मूं ज़िक्र कयो उन साल उन रस्म में पहिरियों भेरो यानी जेका दस्तारबंदीअ वारी जेका रस्म आहे उन में वक़्त जो हाकिम ग़ुलाम शाह कलोड़ो पाण बि शरीक थियो। त उन साल खां वठी उन वरह खां वठी उन ॾींहं खां वठी अॼु ॾींहं ताईं हर साल 16 सफ़रुल मुज़फ़र ते उन दस्तारबंदीअ पहिरीं दस्तारबंदीअ जेका सईद जमाल शाह जी थी, जीअं नसीर साहिबु ॿुधायो सईद जमाल शाह उहे ई आहिनि जेके कटहड़े जे अंदरि भिटाई सरकार सां गॾु आरामी आहिनि, पहिरियां जेके गादी नशीन आहिनि ऐं साईं जा सॻा सौट जा पुट आहिनि ऐं उन हवाले सां पहिरियां सजाद नशीन आहिनि। त इहा जेका रस्म आहे जेका उन साल थी सदियुनि ताईं इहा रस्म अञा बि ज़िंदा आहे ऐं उन रस्म खे हर साल जीआरियो वेंदो आहे। ईअं सम्झो त 14 सफ़र ते हर साल साईं जे बुरके मटाइण जी यादि जीअं ताज़ी थिए थी, तीअं टीजे जी यादि 16 सफ़रुल मुज़फ़र ते हिन हाल धागा जे ज़रिए वरी रिन्यू थिए थी। असां तव्हांखे तव्हां सां तव्हांजी ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल करायूं था, हिन वक़्तु जेके 12 सजाद नशीन आहिनि दरगाह हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई रहमत अलह जा, सईद वक़ार हुसैन शाह लतीफ़ी साहबु, असां उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था भिटाई सरकार जे फ़हम फ़िक्र ऐं पैगाम जे हवाले सां। नाज़रीन, तव्हांखे भलीकार था चऊं, जीअं असां तव्हांखे ॿुधायोसीं त असां भलारे भिटाईअ जे सजाद नशीन सरकार जे हवेलीअ में मौजूदु आहियूं, हुननि जे उताक में मौजूदु आहियूं ऐं असां तव्हांखे बुनियादी तारीफ़ ॿुधायोसीं हाल धागा जो, ऐं असांजी ख़ुशकिस्मती आहे जो असांखे वक़्तु ॾिनो आहे असांजे नाज़रीन जे लाइ भिटाई जा उहे पांधीअड़ा जेके सॼी दुनिया में घर वेठे भिटाई सरकार जे मेले जे मुख़्तलिफ़ तक़रीबात मंझां फैज़ियाब थियनि पिया ऐं इहो जेको इहे जेका भिटाई सरकार जे नगरी जी ख़ुशबू आहे उहा उन्हनि ताईं पहुचे पई। मूंसां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि भिटधणीअ जी बारगाह जा, भिटधणीअ जे ख़ानकाह जा 12 गादी नशीन सईद वक़ार हुसैन शाह लतीफ़ी साहिबु, ऐं यकीननि वक़ार साईं जन जी जेका पंहिंजी शख़्सियत आहे यानी उन में जेका हमागीरियत आहे, उन में जेको तनवो आहे, ख़ासि तौर ते जेको अकेडमिक उन्हनि जो पासो आहे, उन हवाले सां न फ़क़ति पूरी सिंध उन्हनि खे सुञाणे थी, पूरी सिंध त यकीननि भिटधणीअ जे हिन दरगाह ऐं ख़ानकाह सां वाबस्ता समूरनि शख़्सियतुनि खे सुञाणे थी, पर पूरी दुनिया ताईं भिटाई जे पैगाम खे नए अंदाज़ में पहुचाइणु, जदीद साइंसी अंदाज़ में पहुचाइण जे हवाले सां साईं वक़ार हुसैन शाह साहिब जो जेको कंट्रीब्यूशन आहे, जो कमु कनि पिया ऐं अञा जेको हू करणु चाहिनि था उन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासूं, त यकीननि उनखे सभई सुञाणनि था। ऐं असांजी हिन कचहरीअ में साईं जन जा भाउ सईद ख़ावर हुसैन शाह साहिब बि असां सां मौजूदु आहिनि। मां चाहींदुमि त मुंहिंजो कैमरामैन जेकॾहिं साईं जन जो दीदार कराए असांजे नाज़रीन खे, सईद ख़ावर हुसैन शाह लतीफ़ी साहिब बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। असां पंहिंजे गुफ़्तगू जो सिलसिलो कचहरी जो सिलसिलो शुरू कंदासूं सईद वक़ार हुसैन शाह लतीफ़ी साहिब जिन सां हक़ मौजूदु। साईं जी लतीफ़ी, सभिनी खां पहिरीं त तव्हांजा वॾा वड़ जो तव्हां पंहिंजे क़ीमती वक़्त मंझां वक़्तु ॾिनो, ख़ासि तौर ते हीअ जेके मेले जूं तक़रीबात आहिनि हुन में ख़ासि तव्हांजी मसरूफ़ियत हूंदी आहे, मां तव्हांजो थोरायतो आहियां। न, असांजे फ़र्ज़ में शामिलु आहे त भिटाई जे पांधीड़नि खे, अक़ीदतमंदनि खे तव्हांजे तवसुत सां हज़ारे लखे माण्हुनि ताईं उहो मैसेज वञे, त इहो त फ़र्ज़ु आहे असांजो। वॾी महिरबानी। मूंखे शुरूअ में हाल धागा जे हवाले सां असां चाहींदासूं त थोरो इंट्रोडक्शन असांजे नाज़रीन खे ॾियो त हाल धागा जी रस्म छा आहे ऐं उन में कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि शयुनि जो दीदार ज़ाइरीन खे ऐं मुरीदनि खे करायो वेंदो आहे। उन में जेको कॉन्सेप्ट इहो आहे त भिटाई साईं जो जेको वेस, भिटाई साईं जी जेकी दस्तार, भिटाई साईं जेको जुबो पाईंदा हुआ, उहो जॾहिं पहिरियों सजाद नशीन साईं जमाल शाह साईं जॾहिं उन ड्यूटी ते मसनत ते आया, जिन जो ऐलान सरकार पंहिंजी ज़िंदगी में ई कयो त मूंखां पोइ ही फ़क़ीरी सिलसिलो जेको आहे उहो जमाल शाह साईं अॻिते वधाईंदा, उहा जेको वेस जो जेको रस्म आहे उहो अॼु बि अदा थिए थी, पर रुहानी सिलसिले में टीजे ते उहा ज़िमेदारी अचे थी। अमूमन पंहिंजे माशरे में चेलम ते 40 ॾींहं ते वॾे पुट खे उहा दस्तार पाराए वञे थी पंहिंजे पुट जी, ऐं उन में माण्हुनि खे सॾियो वेंदो आहे त दुनिया अची ॾिसे त भाउ हीउ शख़्स हाणे पंहिंजे वालिद जी लेगेसी खे अॻिते वधाईंदो, हिन ते ज़िमेदारियूं बि आहिनि, ऐं पोइ उहो सिलसिलो दुनिया जो हले थो। पर रुहानी सिलसिले में उहो स्वयं ते 14 सफ़र ते भिटाई जी वफ़ात आहे,
16 सफर ते वो वेस वरी भिटाई जे सजादा नशीन के भिटाई साईं जो मुर्शिद करीम साईं उन्हनि जो पागारो अची उहो पाराए थो ऐं पोइ दरगाह ते उहा दुआ मखसूस 15-20 मिंट जी दुआ थिए थी पर उहा साल में हिकिड़ी दफ़ा थिए थी ऐं उन में जेको भिटाई जी दस्तार आहे जेका असल रिस्पॉन्सिबिलिटी उहो हर साल सजादा नशीन महसूसु करे थो ऐं पोइ सॼे साल में हुनखे उहा ड्यूटी जी यादगिरी रहे थी त उहो दस्तार जो जेको रुहानी वज़न आहे जेको उनजी अहमियत आहे छो त हू पाक हस्तियुनि जी दस्तार आहे असां त गुनाहगार इंसान आहियूं पर जे उहा ज़िमेदारी मिली आहे त पोइ उन ज़िमेदारी खे वफ़ादारी सां सचाई सां निभाइणो आहे ऐं जेको रुहानी ताक़त आहे उहा बि मिले थी छो त असां त इंसाननि में उहा उहो वलियुनि जी उन मैसेज खे सम्झणु उन फ़लसफे खे सम्झण जी उहा ताक़त न आहे पर परवरदिगार उहो कर्म करे थो त हीअ पाक दस्तार जॾहिं अचे थी त उहो रुहानी दुआऊं यकीननि ट्रांसफर थियनि थियूं ऐं उहा ताक़त स्पिरिचुअल ताक़त मिले थी जंहिंमें असांखे उहो हक़ जी ॻाल्हि करण जी सच जी ॻाल्हि करण जी उहो स्ट्रेंथ मिले थी कहिड़ियूं कहिड़ियूं उहे तबरकात आहिनि जंहिंजो दर्शन दीदार करायो वञे थो 16 सफ़र मुज़फ़र ते इन में ख़ासि त भिटाई साईं जी तस्बीह मुबारक आहे जेको पाण पढ़ंदा हुआ ऐं पोइ सरकार जो जेको वेस आहे जेको दस्तार आहे उहा पाई वेंदी आहे उहो जेको जुबो ऐं चादर सरकार पाईंदा हुआ उहा पाए ऐं पोइ उहा दुआ थींदी आहे त उन्हनि जी ज़ियारत फुकरा खे थिए थी पर इहो इन ई टाइम ते थिए थी पोइ वरी साल जे 365 डेज़ खां पोइ वरी इहो जॾहिं 16 सफ़र जो ॾींहुं अचे थो त इहा मखसूस ज़ियारत हूंदी आहे ऐं इहो सॼो साल इहे बाक़ी तबरकात जेके आहिनि उहे आम निमाउ लाइ पेश कोन थियूं थियनि या उहे महफ़ूज़ रहियल हुजनि थियूं हा उन में छो त इहे जेकी बि स्पिरिचुअल अलाह जी रस्मूं या अलाह जी तरफ़ां जेकी रिवायतूं आहिनि उहे मखसूस हूंदियूं आहिनि जीअं पंज टाइम निमाज़ पढ़णी आहे त उहो पंज टाइम मखसूस टाइम मुक़ररु आहे इन करे उन सिलसिले में डिसिप्लिन तमामु ज़रूरी आहे एतराम तमामु ज़रूरी आहे त इहो मुमकिन न आहे अॼु ताईं ईअं न थियो आहे उहो हिन टाइम खां सवाइ कंहिं टाइम ते ज़ियारत लाइ निकितो हुजे भले केर बि उनजी ख़्वाहिश जो ज़ाहिर करे पर ही हैज़ टू वेट फॉर द होल ईयर जे हुनखे ज़ियारत करणी आहे अच्छा इन खां सवाइ ॿियूं कहिड़ियूं तबरकात आहिनि जेके छाकाणि त दावा कई वञे थी शायदि त दुनिया जे कंहिं म्यूज़ियम में भिटाई सरकार जे हवाले सां मनसूब मौजूदु हुजनि जेकॾहिं अहिड़ियूं के आहिनि त छा उन्हनि जी ऑथेंटिसिटी केतिरी मुसदिक़ आहे ॾिसो निस्बत जो जेको जहान आहे न उनखे पाण रोके नथा सघूं मस्जिद नबी जा मॉडल्स तव्हांखे सॼी दुनिया में मिलंदा पर मस्जिद नबी ओरिजिनल हिकिड़ी आहे खाना काबा जा मॉडल्स तव्हांखे दुनिया में पर खाना काबा हिकिड़ो ई आहे त इहे जेकी दरबारूं या अलाह जे वलियुनि जूं इमामनि जूं नबियुनि जूं उन्हनि सां माण्हुनि जी मोहबत ऐं निस्बत इहा हूंदी आहे पोइ उन शइ जी रिस्पेक्ट उन निस्बत जे करे बि थिए थी यकीननि पर जेको ओरिजिनल शइ आहे उहा ओरिजिनल हूंदी आहे त जेको भिटाई साईं जी जेको हू पाण पाईंदा उहो त दरगाह ते मौजूदु आहे ऐं उहो सजादनि खां ट्रांसफर थींदी पई अचे पर जिते सरकार वेंदा हुआ जिते तकिया आहिनि या जिते ट्रेवल कंदा हुआ हुते वरी उहो जेको चंद लम्हनि जे लाइ कुझु माण्हू मोहबत सां का शइ उनखे ठाहे ॾींदा हुआ उहा जीअं मिसाल जुती पातऊं उहो मिसाल को चादर उन्हनि पाती उहा वरी उहो फुकरा वरी अर्ज़ु कंदा त साईं असांखे इहो नज़र में मिले त असां इहो अक़ीदत में रखूं कुझु फुकरानि वटि उहे शयूं मौजूदु आहिनि कुझु माण्हुनि वरी उहे शयूं जीअं हाणे तव्हां ॾिठो त भिटाई त सभिनि जो आहे न डॉक्टर ट्रंप डॉक्टर सोले जर्मन ऐं अमेरिकन स्कॉलर्स हुआ अॼु बि तव्हां ॾिसो एन मैरी शिमल आहे या पी लिंग आहे जेको ताइवान मां अचे थी त मोहबत जो उहो सिलसिलो त सॼी दुनिया ताईं आहे त जॾहिं फॉरेनर्स बि ईंदा त पोइ वरी उहो तबरकात उन्हनि फुकरा खां उन्हनि कुझु घुरिया बि सही ऐं पोइ उहे उहो वठी बि विया त कुझु म्यूज़ियम्स ताईं ॿाहिरि बि पहुता आहिनि त ही निस्बतनि जो सिलसिलो आहे बिल्कुलु इहो तव्हां जॾहिं खां वठी हिन मसलत ते अलाह साईं तव्हांखे फ़ाइज़ कयो आहे त असां भिटाई जे पैगाम जे फैलाव जे हवाले सां उनजे फ़रोग़ जे हवाले सां हिकिड़ो नओं रंग ॾिठो आहे त तव्हां इहा कोशिशि कई आहे त सिंध जे सरहदुनि खां पाकिस्तान जे सरहदुनि खां ॿाहिरि भिटाई जे पैगाम जे फैलाव जो सिलसिलो थिए ऐं उन में तव्हां असांखे पूरो साल वाइब्रेंट नज़र ईंदा आहियो पूरो साल मुतहरिक नज़र ईंदा आहियो ख़ासि तौर ते ख़ानकाह जे पारां ज़ाती तौर ते तव्हांजी जेका हैसियत आहे उन हैसियत में सजादा नशीन जी हैसियत में मां चाहींदुमि त असांजा नाज़रीन ॼाणनि त उहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं कोशिशूं आहिनि जेके प्रोजेक्ट्स इन हैंड आहिनि ऐं तव्हां उन कोशिश में आहियो त भिटाई जे फ़िक्र जो फैलाव पूरी दुनिया ताईं थिए इन में मां हिकिड़ो अर्ज़ु कयां त जीअं रोज़ो रखण जो टाइम हूंदो आहे ऐं रोज़ो खोलण जो टाइम हूंदो आहे जेकी माण्हू रोज़ो रखण जे टाइम ते अचनि था उहे जे उहे जेतिरा कलाक उहो रोज़े जो टाइम हूंदो आहे उन में अचनि त उन्हनि खे इहो ई महसूसु थो थिए त इहो कुझु खाइण पीअण बंदि आहे पाबंदी आहे पर जॾहिं खोलण ते टाइम ते ईंदा त उहे ॾिसंदा त न्याज़ हले पियो ऐं माण्हू फुकरा न्याज़ बि खाए पई त उहो जेको माण्हू उन टाइम ते आयो हुजे उनखे शायदि उहा शइ सम्झ में न अचे त हीअ जेको यारहनि सजादनि ताईं जेको रोज़ो रखियल हो उनजे पोयां को राज़ हूंदो पर जेको मूंखे जेको बाबा साईं जन जेको यारहों पघारु हो उन्हनि मूंखे हुकुम कयो शालती फाउंडेशन पाण ठाहियूं
मुख्य बुहारी की ड्यूटी की वसीयत क्यों जो पा शुरू क्यों दरगाह से दियण ऐलान क्यों तो यो जुमे के ढीते इमाम मेहदी की आमद की या जो धमाल से गड ऐलान थे भिटाई की दरगाह त कुदरती उन रस्म का महीनों पैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बोर्ड लगो जैमें बाइबल जहाँ वर्सेस लिखा पे दरबार से तो मुख्य भी अजीब हैरत थी तो हि अजीब इतफाक है हज़रत ईसा जी इमाम मेहदी से गडन उन्होंने पैं बोर्ड तो लगे भिटाई साई के पगारे के इशारों तो थे वो बुहारे की ड्यूटी शुरू तो करे ऐलान तो करे तो हि इमाम मेहदी जो ऐलान है तो हि सिलसिला जी हर वक्त से मनसूबन तो मुख्य आऊँ सभी में गुनाहगार आया उन पगारों की जुती जड़ो को पर उन यार पगार की पैंजी ड्यूटी हुई मुझी ड्यूटी आए तो बाहर निकलना है मुझे वेहणो ना है यो हुक्म है तो उनमें असा पाकिस्तान आलमी मशाइख कौंसिल जो भिटाई की दरगाह थे 2014 में बाबा साईं जो इंतकाल थे 2015 में उनकी बुनियाद पई जिनों आऊँ प्रेसिडेंट आया जैमें 250 दरगाहों ऑन बोर्ड यो सिलसिलो शुरू थो उनका अमेरिका में एक औलिया कौंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका असा न्यूयॉर्क में रजिस्टर कराई जैमें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती जहाँ प्रोग्राम थे जैमें इंडिया में सलमान चिश्ती साहब आयो उत सजाजा नशीन असा गुरु नानक भिटाई प्रोग्राम कर लास्ट ईयर छो तो ही गुरु नानक जी बर्थडे भिटाई साई उर्स गड तो थे वह गडियल प्रोग्राम थो तो यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स थीं उत हिंसर मुझो अलहमदुल्ला नवंबर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर रखल है तो ये एक्टिविटीज़ इन कर जरूरी है भिटाई जो हुकुम भी है वक्त जो तकाजो भी है असा वी नीड टू गेट भिटाई साई ग्लोबल उनमें जो यूनाइटेड नेशन्स जो ब्रेन चाइल्ड है तो ग्लोबल विलेज की गाल कन था यूनाइटेड नेशन्स वाला विलेज जो नालो खन था तो वन विलेज वो विलेज गोठ जो है उनको कॉन्सेप्ट भिटाई दिनों है तो मोहब्बती मेड़े गोठ बदजे एक तो हाँ टाइम अची वो है तो असा दुनिया के बुधायूँ तो जो विजडम है जो कलेक्टिव विजडम है दुनिया जो उनमें जी बुनियादी उन्होंने रोडमैप है उनकी निशानदही उनकी आगाही अल्लाह के वलियन सदियों पैं कर छी जो ही वाहिद दरगाह है जैसे यो एजाज़ है जैसे स्पिरिचुअल म्यूजिक 250 साल का हली पे बंद न थो है वह तंद बंद न थी है तो ही एक एडो वो एजाज़ है स्पिरिचुअल म्यूजिक के हवाले से जहाँ लेगेसी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का शुरू थी हुई पर उनकी शुरुआत चुड़ियों जी सुबह जो चहचहान चुड़ियन की चहचहाट का शुरू थे थी बरसात के कतरन का शुरू थे थी दिल की धड़कन तई हले थी वो रिदम जो अल्लाह जो रूहानी जो म्यूजिक है वो तो हलत रहन है वो धमाल तई अचे तो वह जी लेगेसी है वो भिटाई जो तंद वारी वह राग वारी उन कंक्लूड तो वे उन स्पिरिचुअल म्यूजिक के वो 250 साल का हले तो जो वुमेन एम्पावरमेंट की गाल जो दुनिया करे थी पर अमल न कर सकी है जैसे एग्जाम्पल यह है तो अमेरिका जड़ो मुल्क जो एडी वही डेमोक्रेसी क्लेम तो करे पर उनकी प्रेसिडेंट का औरत न थी सकी अज तक पर असाजे मुल्क में जिते चन था कारोकारी आए इतने एतरी सख्ती है औरतन से पर ब दफा एक औरत प्राइम मिनिस्टर थी चुकी है ये एग्जाम्पल्स जिनकी असा के दुनिया के बुधाणो है तो हि भिटाई के मैसेज जो कमाल है मौजो है तो इतने इन सब ऊंधाए के होंदे भी इतना वो एग्जाम्पल्स निकरन थी इतना मलाला यूसुफ जई वे थी पाकिस्तान में इतना बेनजीर वे थी इतना बी जी असाज न्याणियों उनको स्ट्रेंथ अई उनको वो जो तरीक़ेकार है उन सत सूरमियन वो है जिनके भिटाई गायो है तो यो मैसेज हाँ ग्लोबल वन तमाम जरूरी है वखर साई तक वक्त न वे चाहम तो एक गाल जैसी शिद्दत से जरूरत महसूस थे थी तो बजाते खुद जी भिटाई सरकार जी उनकी लाइफ हिस्ट्री है तीन इन दरगाह खानकाह की भी एक हिस्ट्री है यानी यार सजादा नशीन जाहिर है तो उन जिंदगी में पैं इनफरादी हैसियत अहमियत भी रही वरी जै नमून से तुम तो उन्होंने भी पैं जाए यकीन हर कें पैं खिदमत कई होंगी तो पैं टेन्योर में पैं उन हर पागारे पैं दौर में इन दरगाह के लिए खास तौर पर भिटाई के फहम फिक्र के प्रचार के लिए दुनिया तीन पहुँचाने के लिए जी खिदमतू अंजाम दिनों तुम ना समझो तो इन की तारीख खानकाह की तारीख सजादा नशीनी की तारीख के भी कलमबंद थुर्ज दुनिया तक पहुँचन घुर्जे छो तो ये असो फर्ज भी है तो पैं नेक्स्ट जनरेशन लेगेसी पहुँचाऊँ छो तो रोल मॉडल्स जो असा न हों तो अस डायरेक्शनलेस थी वासूँ ऐसो अज अस इस्लाम तो एक ही है पर 73 फिरकान उन्होंने कर मू कन्फ्यूजन अस दरगाह से जो मू अचे तो वो मुसलमान है वो सुन्नी शिया नो थे पर बाहर तो निकरे तो वो फिरकन में बटजी तो वे दरगाह से हिंदू सिख ईसाई भी असा सा गड वही मानी खाइन था पर बाहर वजन था तो उन्होंने माहौल एटमोसफेयर बो तो वे तो इो जो लेगेसी जो यकीन उन्होंने सजादन इंश्योर कर तो वह लेगेसी कायम रहे अज जो 250 साल का राग हले पो तो उनकी सुपरविजन सजादन कई अज जो इतने हिंदू सबील पे हलन तो उनकी सुपरविजन सजादन नशीन तो करे क्रिश्चियंस मेडिकल कैंप पे हलन
या अहले सुन्नत जी का खातून अची इमाम हुसैन जो अलम थी लगाए ऐं अज शी स्टिल अ सुन्नी अलहमदिल्ला त इन जी सुपरविजन सजादा नशीन थो करे त इहो जेको लेगेसी आहे सजादन जी जंहिंमें हुननि पंहिंजे पंहिंजे हिसे जो कमु कयो आहे इन में ॿ शयूं सम्झणु तमामु इंपॉर्टेंट आहिनि। हिकिड़ो त उहे सजादा नशीन क्लेम कंदा रहिया सॼी ज़िंदगी त असीं ग़ुलाम आहियूं नौकर आहियूं दरगाह जा। वली जी दरगाह जो सजादा नशीन वली नथो थी सघे, उहो उन्हनि वलियुनि जो ग़ुलाम आहे। त हिकिड़ो इहा शइ वञणु, इहो मैसेज वञणु ज़रूरी आहे। ॿियो इहा शइ त हुननि पंहिंजे हिसे जी ड्यूटी जेको हुननि खे अमानत मिली हुई भिटाई जी दस्तार समेत, भिटाई जी फ़लसफ़े जी, भिटाई जे उन पैगाम जी, उनखे हू अॼु ताईं महफ़ूज़ कंदा आया आहिनि। उन में हुननि वॾियूं क़ुर्बानीूं ॾिनियूं आहिनि, उहा शइ बिल्कुलु रिकॉर्ड ते अचणु घुरिजे। तव्हां सही था चओ। असांजा जेके पांधीअड़ा हिन मेले जी तकरीबात मुंहिंजा फैज़याब थियनि पिया, घरनि में वेठे इन्हनि तकरीबात खे ॾिसनि पिया, यकीननि उन्हनि जे लाइ तव्हांजो मैसेज ॾाढो प्रीशियस आहे। मां चाहींदुमि त उन्हनि खे भिटाईअ जे मेड़े जे मौक़े ते तव्हां को पैगाम ॾियो। ॾिसो, तव्हां मीडिया हींअर वॾी अवेयरनेस क्रिएट कई आहे, तव्हां माण्हुनि जे घरनि ताईं भिटाई साईं जी उहा ख़ुशबू पहुचाई आहे। त हाणे इहा शइ बि मुंहिंजे ख़्याल में जे तव्हां इन ते थोरी महिनत कयो, माण्हुनि खे इहो अहसासु ॾियारियूं त हाणे जागण जो टाइम अची वियो आहे। हाणे असांखे उहो जेको असां नेग्लिजेंस वारे रवैये में आहियूं त वी डोंट केयर, पाड़े में को माण्हू बुखियो आहे असांखे को फ़र्क़ु नथो पए, असां वटि त पैसो आहे न, असीं त मानी खाऊं पिया न, का न्याणी असांजी को हिंदू बिरादरी जी शहीद थी थिए, असां चऊं था असां त सेफ आहियूं न, माइनॉरिटी सां ज़ुल्म थो थिए, कराची में हालात ख़राब था थियनि, टारगेट किलिंग थी थिए, कारोकारी जा वाक़िया पाण ॿुधूं था, पर ख़ुदा न ख़ासा असांजी फैमिली में कोन थियो आहे त असांखे फ़र्क़ु नथो पए। त इहो जेको असांखे भिटाई सां ई जेको ॻंढियो आहे हिकिड़ी फैमिली जी सूरत में, उन में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई शिया सुनी सभु गॾियूं, उन में असांखे इज़त एतराम बराबरि करिणो पवंदो सभिनि जो, ऐं उन में ख़सूसनि जेको ख़वातीन जो एतराम आहे उहो असांखे रुगो हाणे ज़ुबान सां न आहे चवणो, उन ते अमल करिणो आहे, उन्हनि जी तालीम जे लाइ कोशिशि करिणी आहे, ऐं असांखे पाड़े में ख़्यालु करिणो आहे त असांजो को मिसकीन, को ग़रीब, को ज़रूरतमंद जे हुते आहे, जे असां पंहिंजे मानी रुगो प्लेट मां उनजी मानी शेयर करे उनखे हिकिड़ी मानी पहुचायूं, एॾो वॾो सवाबु आहे जेको ज़िंदगी भर जी निमाज़नि खां वधीक जे अलाह क़बूल पए त उहा सभु शइ अलाह माफ़ु कंदो, गुनाहनि जी बख़्शिश ॾींदो, ऐं असांजी उहा ज़िंदगी जो उहो निचोड़ थी वेंदो। त जेको एसेंस आहे इस्लाम जो, त इंसानियत जी इज़त कयो, एतराम कयो, इंसानियत सां प्यारु कयो, अलाह खे राज़ी करिणो आहे, अलाह जी मखलूक जे चहिरे ते मुस्कुराहट अची वई जस्ट वन स्माइल त तव्हांजी ज़िंदगी जो निचोड़ थी वेंदो। इन ते इहो ई मैसेज आहे सभिनी। वॾी महिरबानी वॾा वॾा तव्हांजा साईं वकार सन शाह लतीफ़ साहब जो तव्हां वक़्तु ॾिनो असांजे नाज़रीन जे लाइ। थैंक यू। नाज़रीन, कहिड़ी सुहिणी ॻाल्हि ते हीअ जेका मुख़्तसिर गुफ़्तगु आहे उहा इख़्तिताम पज़ीर थी। रोज़ा नमाज़ूं इहो पिणु चङो कमु, पर ऊकी ॿियो फ़हम जंहिंसां पसिजे पिरीअ खे, त उहो जेको ॿियो फ़हम आहे उहो ॿियो कुझु बि कोन्हे, उहो ई अबू बिन अधम वारो ई पैगाम आहे, द मैसेज ऑफ गॉड वारो, त गॉड डवेल अमंग द पीपल बिकॉज़ गॉड डवेल्स अमंग द पीपल, त माण्हुनि जे विच में अलाह सां ई रहे थो, उहो जेको ख़ालिक़ आहे उहो पंहिंजे मखलूक जे विच में रहे थो। जेकॾहिं तव्हां मखलूक जे चहिरे ते मुस्कुराहट सजाईंदव त पोइ तव्हांजूं सभई इबादतूं बि साद पवंदियूं, जेकॾहिं न उन्हनि खे रंजाईंदव त पोइ तव्हांजे कंहिं बि इबादत जो कोई बि फ़ाइदो कोन्हे। ऐं यकीननि हिन मेले जे मौक़े ते, उर्स मुबारक जे मौक़े ते हेॾो अहम हिकिड़ो क़ीमती पैगाम सैद बकार सन शाह लतीफ़ी जो तव्हां ते पहुतो आहे। मूंखे उमेदु आहे त पूरी दुनिया में जेके भिटाई जा पांधीअड़ा, भिटाई जा आशिक, भिटाई जा प्रेमी मौजूदु आहिनि, उहे पंहिंजो हथु वढाईंदा भिटाई जे फ़िक्र जे फैलाव जे सिलसिले में, ऐं शाह लतीफ़ फाउंडेशन जे एक्टिविटीज़ खे बि तव्हां ऑनलाइन ॾिसी सघो था, उन सां गॾोगॾु इहो बि तव्हां डिसाइड करे सघो था, पंहिंजो रोल डिसाइड करे सघो था, तव्हांजो उन में रोल छा थो थी सघे, दुनिया जे कंहिं बि कुंड में वेही तव्हां भिटाई जे उन पैगाम जे फैलाव जे लाइ पाण कहिड़ो किरदारु अदा करे सघो था। जी नाज़रीन, भलार भिटाई जे सहन में अॼु मूं तव्हांखे गुज़ारिश कई, तव्हांखे ॿुधायो त पहिरें अंगण में पाण दाख़िल थियासीं, ऐं हीउ उहो मर्कज़ी दरवाज़ो आहे जितां पाण उन मर्कज़ी सहन में दाख़िल थींदासीं जेको भलार भिटाई जे दरगाह जो मर्कज़ी सहन आहे। ऐं जॾहिं बि अचिजे थो त हिकिड़ो नओं उत्साह माणिजे थो, ऐं उहो उत्साह माणण जे लाइ असीं वरी हिकिड़ो दफ़ो भलार भिटाई जे बारगाह में मौजूदु आहियूं। हीउ उहो मर्कज़ी सहन आहे जिते पाण दाख़िल थी वियासीं भिटाई सरकार जे जी उहा ई मज़ार जेका ग़ुलाम शाह कलोड़े तामीर कराई भलार भिटाई जे विसाल खां फौरन पोइ, त हीअ असां उन मर्कज़ी सहन में मौजूदु आहियूं, दाख़िल थी चुकासीं, जिते तव्हांखे रश बि नज़र अचे पई छाकाणि त मेड़े जो मौक़ो आहे, अॼु मेड़े जी टीं धमाल आहे, टीं धमाल ते उमूमन रश घटि हूंदी आहे, त उन निस्बत सां रश अॼु घटि आहे, छाकाणि त जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त सूफ़ी शाहिन आहे त जो मेड़ो 16 सफ़र ते शुरू थींदो आहे, त 16 सफ़र ते शुरू थींदड़ इहो मेड़ो रश खे इन करे घटाईंदो
ईंदो आहे छाकाणि त खुड़ सारा जेके ज़ाइरीन आहिनि उहे ओॾांहुं रवाना थी वेंदा आहिनि। मां इन खां पहिरियों जो दरगाह में तव्हांखे अंदरि वठी हलां जिते राग बि हले पियो। हीउ जेको सहन तव्हां मुंहिंजे पस मंज़र में ॾिसो पिया, इहा उहा मस्जिद आहे जेका इन दरगाह सां गॾु तामीर थियल आहे। सिंध जे अक्सर दरगाहुनि में तव्हांखे दरगाह सां गॾु मरकज़ सां गॾु मज़ार सां गॾु तव्हांखे मस्जिद बि मिलंदी। हीअ उहा ई अवाइली मस्जिद आहे जेका भिटाई जे हिन पिड़ में भिटाई जो मकबरो तामीर थियण सां गॾोगॾु उहा तामीर थी, जंहिंजे हवाले सां बि असां तव्हांखे तफ़सील खां आगाह कंदासूं। हीअ मरकज़ी सहन सां गॾु ई आहे, बल्कि हिन मस्जिद जो सहन ऐं हिन दरगाह जो सहन गॾोगॾु आहे। ख़ासि करे इहो असां उन्हनि नाज़रीन जे लाइ ॿुधायूं था जिन नाज़रीन भिटाई जे दरगाह ते इन खां अॻु में फिज़िकली हाज़िरी नाहे भरी। दरगाह जे कुंड में जीअं पाण दाख़िलु थींदासूं त उनजी जेका ओलाही कुंड आहे ऐं उन ओलह उतर वारी जेका कुंड आहे उन में मां चाहींदुमि त मुंहिंजो कैमरामैन जेकॾहिं हीउ किरड़ जो वणु तव्हांखे ॾेखारे। हीउ किरड़ जो वणु भिटाई सरकार जे हथ जो वणु चवरायो वञे थो, छाकाणि त भिटाई सरकार पाण किरड़ जे वण मंझां ॾंदणु ॾेई ऐं उहो इते हिन भिट ते बुनियादु तौर ते हीअ उहा भिट आहे जंहिं भिट ते भिटाई जो मर्कज़ मौजूदु आहे, उनजी आख़िरी आरामगाह आहे। त उते ई हुननि पंहिंजी ज़िंदगीअ जे दौरान उहो ॾंदणु ॾेई जॾहिं हिते पूरियो त हिते उहो किरड़ जो वणु फुटो ऐं भिटाई जे ई हथनि जो इहो किरड़ जो वणु आहे जेको अञा ताईं मौजूदु आहे ऐं इहो 276 साल गुज़रण जे बावजूद बि उहो उनजो वजूदु मौजूदु आहे। पर तव्हां ॿुधाईंदो हलां त असांजे इतक़ाद तहत हिन में मुख़्तलिफ़ बासूं बासींदड़ ताला लॻाया वेंदा आहिनि, धागा ॿधी वेंदा आहिनि ऐं तव्हां उन्हनि धागनि जो अशर ॾिसो त हीउ पूरो जेको उनजो थुड़ आहे उन सभई थुड़ उन्हनि धागनि सां भरियल आहिनि। प्रोफेसर डॉक्टर तव्हां मां नामी चयो न, सुखाऊं बास बियूं पीरनि ते पड़ विझबा चिला कढबा, सवें सिक जा सॻा तुंहिंजे मिलण लाइ सोरणा पवंदा। सो इन सिक जा सॻा ॿधंदड़नि हिन किरण जे वण खे उनसां भरे छॾियो आहे। मां पंहिंजे कैमरामैन खे चाहींदुमि त जेकॾहिं हिन पासे खां हीउ एंगल हिन किरण जे वण जो जेकॾहिं ॾेखारे तव्हांखे त वधीक सुहिणे नमूने सां तव्हां ॾिसी सघंदव त हीउ किरण जो वणु पंहिंजी जाइ ते उन कुंड ते जेका उतर ओलह वारी कुंड आहे उन कुंड ते पंहिंजे हुस्न सां मौजूदु आहे ऐं तव्हां उनजा रंग बि पसी सघो था, उन में ताज़गी बि पसी सघो था ऐं ईअं लॻे थो ॼण वक़्तु गुज़रण सां गॾु हिन किरण जे वण में उहा ताज़गी अचे थी पई। हिननि दोस्तनि जो मूं सां गॾु हलणु फितरी आहे छाकाणि त मेले जे मौक़े ते मां अकेलो घुमी कोन थो सघां। हीउ पाण जंहिं तरफ़ खां जंहिं रुख खां दाख़िलु थियासीं तव्हां जेकॾहिं ॾिसी सघो त हीउ उहो गुंबद आहे, टे गुंबद आहिनि जेके मर्कज़ी दरवाज़े जे मथां नस्ब थियल आहिनि। हिकिड़ो वॾो गुंबद आहे ऐं ॿ नंढा गुंबद आहिनि जे जिन खां दाख़िलु थी मर्कज़ी सहन में पाण दाख़िलु थींदा आहियूं ऐं उन जे खॿे पासे खां यानी असां जेकॾहिं ॾखिण वारे पासे खां ॾिसूं त मुख़्तलिफ़ काफ़ियूं ऐं लांडियूं बि ठहियल आहिनि पर उन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि जूं आख़िरी आरामगाहूं पिणु आहिनि। इहो ॾाढो तफ़सीली थी वेंदो जेकॾहिं मां तव्हांखे हिकु हिकु मर्कज़ जे हवाले सां ॿुधायां त कंहिंजो कंहिंजो मर्कज़ आहे, पर पाण कोशिशि कंदासूं त जेके अहम शख़्सियतूं आहिनि उन्हनि जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त केरु केरु किथे किथे आरामी आहे। पाण हाणे दाख़िलु थियूं पिया मर्कज़ी सहन मंझां हिन दरगाह जे विरांडे में। हाणे हिते शाह जो राग जारी आहे जेको असां तव्हांखे ॿुधायूं था ऐं शाह जा फ़क़ीर उन्हनि जी चौकी जेका आहे सा उते हिते शाह जो राग ॻाए पई। मां चाहींदुसि त जेकॾहिं असां फ़क़ीरनि जे साम्हूं हिन राग खे कवर करे सघूं ऐं मर्कज़ी दरगाह जे दरवाज़े वारे पासे खां जेकॾहिं असां तव्हांखे ॾेखारे सघूं। पर नाज़रीन, इहा हिकिड़ी ख़ुसूसियत आहे भलार भिटाई जी दरगाह जी, त भलार भिटाई जी दरगाह उहा वाहिद दरगाह आहे दुनिया जी जिते लाइव राग रोज़ानो थींदो आहे। ऐं रोज़ानो जॾहिं मां चवां थो त उनजो मतिलबु इहो आहे त यारहें धारे हर ॾींहं जो इहो राग शुरू थींदो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु यारहें बजे धारे शुरू थींदड़ इहो राग ॿिनि पहरनि जे ज़ुहर जे अज़ान खां अॻु में ख़तमु थी वेंदो आहे ऐं हर राति जो सोमैणी खां पोइ इहो राग शुरू थींदो आहे ऐं सुबुह जो पहिरें फुटीअ खां पहिरीं ताईं इहो राग जारी रहंदो आहे। मां चाहींदुसि त जेकर तव्हांखे ॾेखारे सघां हिन वक़्तु हीउ शाह जा फ़क़ीर शाह जो राग ॻाइनि पिया, उहो जेको सुबुह वारी चौकी आहे उहा इन राग खे ॻाए पई। तव्हां ॾिसो पिया त जेके ॿुधंदड़ आहिनि उहे उन्हनि खे इनहमाक सां शौक़ सां ॿुधनि पिया ऐं हींअर हिकिड़े सुर जो इख़्तिताम थियो आहे। हाणे ॿिए सुर जो आगाज़ थींदो। हीउ जेको जोश ऐं जज़्बो तव्हां ॾिसो पिया
यो जोश ऐं जज़्बो यकीनन इहो रोज़ानो ई हूंदो आहे मेले जे मौक़े ते त ख़ासि तौर ते, पर इहो रोज़ानो जो जोश ऐं जज़्बो आहे जेको तव्हांखे हिते नज़र ईंदो। हाणे मुंहिंजे पस मंज़र में जेके फ़क़ीर मौजूदु आहिनि हिन वक़्तु, उहो गैप आहे जेको ॿिनि सुरनि जे विच में गैप थींदो आहे, छाकाणि त हिकिड़ो सुर जॾहिं इख़्तिताम पज़ीर थींदो आहे पहिरीं उनजा कुझु बैत पढ़िबा आहिनि, बैत पढ़ण खां पोइ उनजी वाई पढ़िबी आहे, वाई वरी हिकिड़े जोश वारे टैम्पो ते इख़्तिताम पज़ीर थींदी आहे जेका हींअर थी। हाणे फ़क़ीर वरी तारूं मिलाइनि पिया त जीअं ॿिए सुर जो आगाज़ थी सघे, हाणे वरी ॿिए सुर जो आगाज़ कंदा। ऐं जेके तव्हां मौतुक ते ॾिसो पिया जेके चौधारी मौजूदु आहिनि, इहे मेड़े जे मौक़े ते मौजूदु हूंदा आहिनि, आम ॾींहनि ते बि तव्हां कुझु नज़रानो बि ॾिसो पिया जेको फ़क़ीरनि जे साम्हूं रखियलु आहे। इहे जेके ॿुधंदड़ आहिनि, ज़ाहिरीन आहिनि, जेके हाज़िरीन आहिनि, उहे पंहिंजी मर्ज़ीअ सां उहो नज़रानो ॾींदा आहिनि। माइक्रोफोन तव्हां ॾिसो पिया, हिन माइक्रोफोन जे ज़रिए हिकिड़ो साउंड सिस्टम जे ज़रिए पूरे दरगाह में ही जेको शाह जो राग आहे उहो ॿुधण में ईंदो आहे, यानी तव्हां दरगाह जे कंहिं बि कुंड में हुजो तव्हांखे इहो राग ॿुधण में ईंदो। हूअं इहो जेको राग आहे सो सियारे जे रातियुनि में हिन ई विरांडे जे अंदरि थींदो आहे, ॾींहं जो विरांडे जे अंदरि थींदो आहे, उन्हारे जे रातियुनि में दरगाह जे सहन में इहो राग थींदो आहे। हिते हिकिड़ी ॿी बि रस्म आहे, मुंहिंजो कैमरामैन जेकॾहिं क्लोज़अप ॾेखारे सघे त हिकिड़ो तव्हां ॾिसंदा हूंदो त हिकिड़ो फ़क़ीर धाॻनि खे मस पियो करे, मुख़्तलिफ़ धाॻनि खे वेढ़े तार सां मस पियो करे, ऐं इहो मस करण जो रवाजु जेको आहे उहो इन करे आहे त इहे तंबूरा छाकाणि त सदियूं पुराणा आहिनि ऐं भिटाई जे नाले सां मनसूबु आहिनि, ऐं इहो हर कंहिंजो इतक़ाद जी ॻाल्हि आहे त माण्हू इहे सम्झंदा आहिनि त इन्हनि में शफ़ा बि आहे, इन्हनि में दवा बि आहे, इन्हनि में दुआ बि आहे। इहे आम धाॻा हूंदा आहिनि बाज़ारि में मिलंदड़, इन्हनि खे इन तंबूरे जे तारुनि सां मस कयो वेंदो आहे, ऐं मस करण खां पोइ तव्हां ॾिसंदा हूंदव, मुंहिंजी कैमरा मुंहिंजो ख़्यालु आहे तव्हांखे ॾेखारे पई त मस करण खां पोइ इहो एतक़ाद हूंदो आहे उन ज़ाहिर खे, उन मुरीद खे, त इहो मां जेकॾहिं पाईंदुसि पंहिंजे उन बाह में, पंहिंजी कढ़ाई में जेकॾहिं ॿधंदुसि या जेकॾहिं उनखे धोई पीअंदुसि त मुंहिंजी जेका बीमारी आहे सा दूरि थींदी, मूंखे शफ़ा मिलंदी, ऐं उन शफ़ा जे आसिरे ते, बल्कि उन शफ़ा जी पक सां इन्हनि धाॻनि खे मस करायो वेंदो आहे। हीउ तंबूरो आहे जंहिंखे दंबूरो पाण चऊं था, तन तस्बी मन मणियो दिलि दंबूरो जन, तंदू से तलब जूं वहद तसुर वजन, वहदहू ला शरीक लहू इहो राग रगुन, से सुताई सुहन निंड इबादत जिन जी। हीउ उहो तंबूरो आहे, हीउ उहो तंबूरो आहे जेको शाह साईं पाण ईजाद कयो, छाकाणि त शाह साईं जी सॼी शाइरी जेका आहे भलार भिटाई जी समूरी शाइरी उहा सुरनि ते आधारित आहे, मौसीक़ीअ ते आधारित आहे। भिटाई पाण मौसीक़ीअ जो तमामु वॾो माहिर हुयो, तंहिंजे करे उन मौसीक़ीअ में पंहिंजो बयानु कयो, ऐं उहो ई सबबु आहे जो उन्हनि जी शाइरी बि उन्हनि जी मौसीक़ीअ सां गॾु ज़िंदा आहे। ऐं उनजो वॾो मिसाल इहो आहे त दुनिया में ॿ दरगाहूं आहिनि जिते इहो राग जहिड़ो आहे, पर मौलाना रूमीअ जी दरगाह ते इहो राग वरी बि रिकॉर्डिड अंदाज़ में रोज़ानो नशर थींदो आहे, ऐं हिते भलार भिटाई जी दरगाह ते इहो रोज़ानो लाइव नशर थींदड़, लाइव मुनक़िद थींदड़ राग आहे जेको रोज़ ॾींहं जो राति जो मुनक़िद थिए थो, मुख़्तलिफ़ चौकियूं आहिनि। ऐं तव्हांखे इहो ॿुधी बि हैरत थींदी शाह जा फ़क़ीर बिना कंहिं पैसे पाई जे लालच जे, बिना कंहिं पघार रिम्यूनरेशन जे, बिना कंहिं ऑनरोरियम जे, उहे रोज़ानो पंहिंजी ड्यूटी ॾींदा आहिनि, किथे बि हूंदा आहिनि दुनिया जे कुंड कुड़छ मां पहुचंदा आहिनि, ऐं हिते अचे उन पंहिंजे ड्यूटीअ वारे ॾींहं ते उहे पंहिंजूं ख़िदमतूं अंजाम ॾींदा आहिनि। मुंहिंजो कैमरामैन तव्हांखे जेकॾहिं ॾेखारे सघे त हिकिड़ी चादर हींअर दाख़िल थिए पई दरगाह में, छाकाणि त मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा मुरीद उर्स मुबारक जे मौक़े ते हिते अचनि था, हाज़िर थियनि था। हिते मुख़्तलिफ़ चादरुनि खे मिलाए पाण में हिकिड़ी डिघी चादर ठाही वई आहे, ऐं ज़ाहिरीन जो हिकिड़ो पूरो टोलो आहे जेको इन चादर खे खणी हींअर दरगाह में अंदरि दाख़िल थिए पियो। तव्हां ॾिसो पिया त ही मुख़्तलिफ़ जेके मौतक़िद आहिनि, मुरीद आहिनि, से इन चादर सां गॾु इन दरगाह में दाख़िल थिया आहिनि। शाह जे फ़क़ीरनि जो पाण ज़िक्र पिए कयोसीं, हींअर नए सुर जो आगाज़ थिए पियो, ऐं मां चाहींदुसि त इन जा ॿ टे बैत मां जेकॾहिं पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाए सघां ही हिन माइक्रोफोन जे तवसुत सां। परो
छदे के त करो जरूर नोचे ना शाहबीब के कुबे खां निकरण खां पोए मां तव्हांखे जेको पोयों सहन आहे उन में तो वठी हलां हूअं त वॾनि अज़ीम हस्तिन जा आरामगाह हिते मौजूदु आहिनि मुख़्तलिफ़ हस्तिन जा आरामगाह मौजूदु आहिनि पर हिते वक़्त जी अणाठ जे करे मां कुझु अहिड़ियुनि हस्तियुनि जा मरकज़ तव्हांखे ज़रूरु ॾेखारींदुसि जिन जो तारीख़ जे हवाले सां ऐं शाह जे फ़हम ऐं फ़िक्र ऐं इदराक जे फैलाव जे हवाले सां जंहिंजो ख़ासि किरदारु रहियो आहे पर इन खां अॻु में पाण हिकिड़े ॿिए कुबे में दाख़िलु थींदासूं जेको कुबो भलारे भिटाईअ जे मर्कज़ी कुबे जे बिल्कुलु पोयां मौजूदु आहे ऐं इहो जेको आहे सैद क़ाइम शाह जो रोज़ो आहे ऐं सैद क़ाइम शाह जो रोज़ो उनजो जेको कुबो आहे उहो शाह साईं जे कुबे जे उन इमारत जे बिल्कुलु पोयां मौजूदु आहे जंहिं ते पिणु हीउ जेको काशी जो कमु हाल अॼु काशी जो कमु थियलु आहे ऐं उनजो जेको दरवाज़ो आहे उन ते उकर जो कमु थियलु आहे पाण उन में अंदरि दाख़िलु थींदासूं त हिते बि तव्हांखे मुतादिद मरकद नज़र ईंदा मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि जा बशमूल सैद क़ाइम शाह उन्हनि जो मरकद बि ऐं उन सां गॾो गॾु मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि जा मरकज़ नज़र ईंदा जेतोणीकि हिन मरकज़ हिन कुबे जे अंदरि बि काशीअ जो कमु थियलु आहे पर दीवार जे कुझु ख़ासि पैनल्स ते इहो काशीअ जो कमु थियलु आहे बाक़ी अछे चुन सां कमु थियलु आहे ऐं हिन जो कुबो बि अछे चुन सां ई सिंगारियल आहे हिते बिजलीअ जी अंदरि लाइटिंग जी थोरी अणाठ आहे जंहिंजे करे असां कैमरा लाइट इस्तेमालु कंदे तव्हांखे ॾेखारियूं पिया त हिते मुतादिद मर्कज़ आहिनि सैद क़ाइम शाह जे ऐं कुबे जे अंदरि ऐं मुख़्तलिफ़ शख़्सियतुनि जा आहिनि के क़बरूं गुमनाम बि आहिनि यानी उन्हनि जे शख़्सियतुनि जी ख़बर कोन्हे त हिते आरामी कहिड़ियूं शख़्सियतूं आहिनि पर उनजे बावजूद बि कुझु अहम प्रोमिनंट शख़्सियतुनि जो जेको आरामगाह आहे मां ज़रूरु तव्हांखे ॾेखारणु चाहींदुसि जॾहिं भिटाईअ जी असां ॻाल्हि कयूं था त
भिटाई के पैगाम के सरबस्तो करे सवलो करे असा तई पहुँचाईंदड़ शख्सियतुन मंझ सिंधी गज़ल जो तमाम खूबसूरत सिंधी रवायती गज़ल जो तमाम वो शायर मीर अब्दुल हुसैन सांगी भी अचे तो असा जैसे कायम शाह के मरकज़ का बाहर निकरूँ था त मीर अब्दुल हुसैन सांगी के मरकज़ के बिल्कुल भरसा मौजूद आया मां जी ही अस बाहर निकरूँ था तो साजे हथ से मीर अब्दुल हुसैन खान टालपुर सांगी की हि आखिरी आराम गाह अचे थी जैसे विलादत 1851 में थी उन्हें वफात 1924 में थी 73 वरहन की उन्हें जमार माणी हिज हाइनस जो लकब उन्हें मिलो मीर अब्दुल हुसैन सांगी सिंधी गज़ल के हवाले से मुनफरद रंग अंग ढंग रखे तो वरी जैसे असं भिटाई के फहम फिक्र इदराक के फैलाव के हवाले से ऊँ था मीर अब्दुल हुसैन सांगी खूबसूरत नमूने से भिटाई के समझाए पुरझाए असा तई पहुँचाया है सांगी के मज़ार वटा जो शाह हबीब के मरकज़ जो नज़ारो है वो ढो खूबसूरत है मैं चाहिए तो मुझे कैमरा जो तेखारे सके शाह हबीब जो ही मरकज़ है जैमें पा दाखिल थियासूँ वो मरकज़ी कुबो है उन मरकज़ी कुबे के भरसा वरी बो मरकज़ है जैसे पिण मरकज़ी कुबो है उन सुनो जो काशी जो कम है वो तवे दीदेब लगन हों उन गु उन मरकज़ के भरसा ही बो कुबो है जो पिण काशी के खूबसूरत से सिंगारल है ये जी कुंड नज़र अचे पी या भिटाई के मरकज़ी कुबे की कुंड है कुबे जो जो वधावड़ो है यानी उन विरांडो है उनकी इं कुंड है जैसे तक मीनार भी नज़र अचे पो तो पा हिंसर भिटाई के कुबे के बिल्कुल पोया मौजूद आयो मरकज़ के बिल्कुल पोया मौजूद आयो उतं तक ही शाह हबीब के मरकज़ जो जो नज़ारो थे पो वो तवे यकीन नज़र अचे पो भिटाई के शायरन मंझो बो अहम नालो अलामा उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटो शमसुल उलमा जो लकब उन मिलो उन सुप जहा खोड़ सारा हवाला उन्हें आत्मकथा भी लिखी शाह साई के रिसाले के तरतीब दिनों जैसे डॉक्टर गुरबख्शाणी शाह साई जो रिसालो तरतीब पे दिनों तो शागिर्द की हैसियत से डॉक्टर गुरबख्शाणी के शागिर्द की हैसियत से डॉक्टर दाऊद पोटरे खिदमतों अंजाम दिनों ही आखिरी आराम गाह है अलामा उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटरे की मूसे डिठा माँ जिन्हें डिठो पीढ़ी के तनी सिंधी का है कर गाली ये जो कतबो है वो तुसो पाया जैसे फारसी में लिखल है शमसुल उलमा अल दक्तूर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोता उनकी जेका योम विलादत लिखल है योम वफात लिखल है ही फारसी में लिखल कतबो है अरबा के ढी उन विलादत थी 9 शवालुल मुकरम 1313 हिजरी ते जेका 25 मार्च की तारीख हुई 1896 जी जेका तारीख हुई ईस्वी की तारीख हुई अरबी में लिखल है उनसा गड उनकी जेका वफात थी सा 10 जमादियुल अव्वल 1378 हिजरी ते थी 22 नवंबर 1958 में थी अरबी में लिखल ही कतबो है जो अलामा दाऊद पोटरे की जे मरकज़ जो कतबो है जिन शख्सियतुन से अस मिली ना सग्या उन शख्सियतुन जो तमाम वो कंट्रीब्यूशन है तो यकीन उन्होंने मरकज़ से पहुंची असंके आसीस मिले थी वो आराम मिले तो इं लगे तो जन असानी उन्होंने मुलाकात थी है तो डॉक्टर दाऊद पोटरो यकीनी तौर पर एक तारीख जो नालो एक दौर जो नालो शाह साई के मरकज़ के सहन में डॉक्टर दाऊद पोटो आरामी है जिते इन वक्त मौजूद आया ही बिल्कुल शाह साई के मज़ार के उन कुबे के पोया वारी जाय है उनसा गडो गड खोड़ सारी शख्सियतूँ पर कुछ शख्सियतों के हवा से जिक्र कस भिटाई के फ़कीर जो अस जिक्र कसूँ तो तमर फ़कीर जो जिक्र कि नहीं दो? तमर लफ्ज़ की माना है खारक खारक छो तो वे तो तमर फ़कीर भिटाई की दुआ से पैदा थो अरबुस्तान में उनकी विलादत थी हिजाज़ मुक़दस में उनकी विलादत थी उन जाए ते उनकी विलादत थी जै जाए ते भिटाई दुआ करे एक खारक खाई उनकी खोखड़ी जदें एक वारी के दड़े ते अरबुस्तान में वे तो वह खारक है वह भिटाई की दुआ से वह खारक है वह उत पूरी वही तो उतं खजे जो वण फुटो उन खजे के वण से गडो गड तमर की विलादत थी तो भिटाई की दुआ से जमंदड़ इो जो फ़कीर है तमर फ़कीर उन्हें जो आराम गाह है वह भी एक नंढड़े कमरे में एक चबूतरे ठहल है जेका भिटाई के मज़ार के बिल्कुल पोया एक कुंड ठहल है मदन फ़कीर हुए तमर फ़कीर हुए भिटाई के वेझन मुरीदन मंझ उन शुमार थे तो भिटाई के रागिन मंझ पे रागी तमर फ़कीर है तमर फ़कीर जो मरकज़ जो तमर फ़कीर जो तक बुधा तमर लफ्ज़ की माना खारक
आहे कतल आहे त उहा जेका खारक आहे उन खारक जो नालो भिटाई सरकार उन तमर ते रखियो छाकाणि त भिटाई सरकार जी दुआ सां उहे पैदा थिया ऐं यकीननि भिटाई जी दुआ सां पैदा थियल जेका हस्ती आहे उनखे भिटाई जो वंड बि मिलियो ऐं अहिड़ो वंड मिलियो जो भिटाई जे फ़क़ीरनि मंझि मदन फ़क़ीर जो ऐं तमर फ़क़ीर जो जेको मुक़ामु आहे उनजो यकीनी तौर ते कोई बि मैच कोन्हे। हिते हिकिड़ी दिलचस्प ॻाल्हि थी यादि अचे त तव्हां मुंहिंजा घटि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी त भिटाई सरकार नमकीन शाइरी बि कई, मज़ाहिया शाइरी बि कई ऐं उहा मज़ाहिया शाइरी उन्हनि जे हिकिड़े फ़क़ीर ते हुई जंहिं फ़क़ीर जो नालो वगंद फ़क़ीर हुयो। तव्हां जिन सुर बिलावल जा आख़िरी बैत पढ़ो था, वगंद वरी आयो बदू बे निमाज़ या वेठो ईअं चयो त अचे बुई बहार जी या उनखे पेटी बि कोठियाऊं, उनखे खे घणो खाईंदड़ बि कोठियाऊं, उनखे उन्हनि खे ज़ाल खां डिॼंदड़ बि कोठियाऊं, त उन्हनि सां उन्हनि जो हिकिड़ो मज़ाक वारो रिश्तो हूंदो हुयो। या त जॾहिं सतमर फ़क़ीर ऐं मदन फ़क़ीर जो ज़िक्र करियूं था त वगंद फ़क़ीर उन्हनि जी कचहरी में हिकिड़ो अहिड़ो फ़क़ीर हूंदो हुयो जेको सम्झो त चर्चनि जो भोग जो महवर ऐं मर्कज़ हूंदो हुयो। इन मां इहो मालूम थिए थो त भिटाई साहिबु हल्की दिलचस्प तबियत जा मालिक बि हुआ ऐं कॾहिं कॾहिं वगंद फ़क़ीर सां उहा मज़ाक बि कंदा हुआ, जंहिंजो असांखे बिलावल में बयानु मिले थो। तमर फ़क़ीर जे बिल्कुलु भरिसां प्रोफेसर अब्दुल अली कलबाणी साहिब जो मर्कज़ आहे। यकीनी तौर ते प्रोफेसर अब्दुल अली कलबाणी भिटाई जे फ़हम फ़िक्र ऐं इदराक जे हवाले सां हिकिड़ो तमामु अहम नालो, जेको वेझिड़ाई में 8 मार्च 1988 ते असांखां विछड़ो आहे। वेझिड़ाई मां पंहिंजी उमिरि जे लिहाज़ खां थो चवां पियो, यानी असांजे ज़िंदगियुनि में ई उनजी वफ़ात थी। प्रोफेसर अब्दुल अली कलबाणी उन कलबाणी ख़ानदान सां उनजो तालुक़ु, जंहिं मंझां ज़ाहिद कलबाणी बि पैदा थियो, मरूफ़ ब्रॉडकास्टर ऐं ॿियूं मुख़्तलिफ़ शख़्सियतूं जिनजो कलबाणी ख़ानदान सां तालुक़ु आहे। प्रोफेसर अब्दुल अली कलबाणीअ भिटाई जे फ़हम फ़िक्र ऐं इदराक खे फैलाइण जी कोशिशि कई ऐं उनजे करे ई उन्हनि जे सहन में उन्हनि खे हिते जाइ मिली आहे ऐं उन्हनि सां बिल्कुलु भरिसां हिकिड़ी ॿी अहिड़ी शख़्सियत जिन सां मूंखे मुलाक़ात जो शरफ़ बि हासिलु थियो, जेके भिटाई जे शारियनि मंझि हिकिड़ी अहम हस्ती आहिनि ऐं उहे आहिनि बानो ख़ान शेख। बानो ख़ान शेख जो तालुक़ु भिटशाह सां हो, शेख मोहल्ले में रहंदड़ हुया, कॾहिं बि ज़िंदगीअ में पंहिंजी वीडियोग्राफ़ी या फ़ोटोग्राफ़ी न करायूं, सवाइ हज ते वञण जे दौरान जेका पासपोर्ट जे लाइ तस्वीर उन्हनि खे ड्राई हुई। मूंखे यादि आहे त मां जॾहिं KTN ते प्रोग्राम नगर नगर में गीत कंदो हुयुसि त मूं उन्हनि खे गुज़ारिश कई, मां उन्हनि जे घर वञी ऐं उन्हनि खे मिंथ कई त असां तव्हांजो इंटरव्यू करणु घुरूं था, पर हुननि साफ़ इनकार कयो। हुननि चयो त मुंहिंजी नज़र में वीडियोग्राफ़ी ऐं फ़ोटोग्राफ़ी मना आहे इस्लाम में, तंहिंजे करे मां इन्हनि ॿिन्ही शयुनि खां इजतनाब करियां थो। बानो ख़ान शेख साहिब जी वफ़ात 2008 में थी, 19 अक्टूबर 2008 में थी ऐं शाब्द लतीफ़ भिटाई चेयर जे पारां 3 जुल्दनि में शाह जो रिसालो बानो ख़ान शेख जो तरतीब ॾिनल छपियो आहे। उन सिलसिले में मुंहिंजी उन्हनि ॾींहनि में मां रिसर्च ऑफिसर जे हिसे सां मुंहिंजी वाबस्तगी शाब्द लतीफ़ भिटाई चेयर सां हुई, जंहिंजे करे शाब्द लतीफ़ भिटाई चेयर में बि ऐं भिटशाह में बि बानो ख़ान शेख सां मुलाक़ातूं थींदियूं रहियूं। त बानो ख़ान शेख जहिड़ी अहम शख़्सियत बि हिते मदफ़ून आहे ऐं 19 अप्रैल 1988 ते उन जी पैदाइश थी। पंहिंजे मिज़ाज में बि ॾाढी सादी सलूणी शख़्सियत, सची शख़्सियत ऐं पंहिंजे अंदरि ख़ूबसूरतियूं रखंदड़, ज़ातियूं ख़ूबसूरतियूं रखंदड़ शख़्सियत बानो ख़ान शेख असां में नाहे रहियो ऐं यकीननि कंहिं चङी जाइ ते हूंदो, छाकाणि त हू भिटाई जो पाड़ेसरी आहे, हू आरामी भिटाईअ जे नवाह में आहे। मां जीअं मूं चयो त खोड़ सारियुनि शख़्सियतुनि जो अहम मज़ारूं आहिनि हिते, पर मां ॿिनि वधीक शख़्सियतुनि सां तव्हांखे मिलाईंदुसि ऐं मां चाहींदुसि त उन्हनि सां मुंहिंजी मुलाक़ात थिए। ऐं हिकिड़ो त मेडिकल साइंस जे हवाले सां हिकिड़ी अहम शख़्सियत जिन जे मां चाहींदुमि त मर्कज़ सां तव्हांजी मुलाक़ात थिए, ऐं ॿियो मां चाहींदुसि त आगा सलीम साहिब जे आख़िरी आरामगाह सां बि तव्हांजी मुलाक़ात करायां। असां फ़क़ीर लाइक़ ॾिने जो बि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। फ़क़ीर लाइक़ ॾिनो सजादा नशीन हो तमर फ़क़ीर जो नाओं सजादा नशीन हुयो, ना ई पग तमर फ़क़ीर जी, छाकाणि त इहो सिलसिलो मुख़्तलिफ़ फ़क़ीरनि जो बि जारी आहे। त तमर फ़क़ीर जी जेका गादी आहे उन जी जेका पग आहे उन्हनि जो गादी नशीन, नाओं गादी नशीन फ़क़ीर लाइ करिणो, उहो बि हिते असांजे बानो ख़ान शेख जे नवाह में मौजूदु आहे, आरामी आहे। मां चाहींदुसि त आगा सलीम साहिब ताईं बि पाण पहुचूं ऐं आगा सलीम साहिब खां अॻु में डॉक्टर शेर मोहम्मद अंसारी सां मां तव्हांखे मिल रहियां। डॉक्टर शेर मोहम्मद अंसारी पाकिस्तान जो पहिरियों मुस्लमान सर्जन हुयो, मोहम्मद जाफ़र अंसारी साहिब जा फर्ज़ंद, 17 सेप्टेम्बर 1922 ते पैदा थिया ऐं 21 जनवरी 2010 ते विझड़ाई में असां खां विछड़िया आहिनि। टोड़ी पाठक हैदराबाद सां उन्हनि जो तालुक़ु हुयो, उन्हनि जो औलाद जो बि तफ़सील हिते लिखियलु आहे ऐं उहे हिते आरामी आहिनि। डॉक्टर शेर मोहम्मद अंसारी साहिबु पाकिस्तान जे पहिरें मुस्लमान सर्जन जे हिसे सां किरण उन्हनि जी ख़ासि अहमियत आहे ऐं उहे हिते आरामी आहिनि भिटाई जे मर्कज़ में ऐं भिटाई जे मर्कज़ जे बिल्कुलु पोएं हिसे में।
आगा सलीम साहब आगा खालिद सलीम साहब शाह साई के कलाम के उर्दू तर्जुमो करण के हवाले से शाह साई के कलाम के अंग्रेजी तर्जमे करण के हवाले से मंजूम उर्दू तर्जमो करण के हवाले से जै साईम सदाई करीम थे सिंध सुकार जड़े शाहकार बैत तर्जुमो कयो मेरी सिंधड़ी पर भी साई रहमत हो हर बार दोस्त मेरे दिलदार आलम सब आबाद करो। आगा खालिद सलीम साहब 17 अप्रैल 1924 ते शिकारपुर में पैदा थे 12 अप्रैल 2016 ते उनको कराची में इंतकाल थो कराची में उनकी जो तदफीन थी हुई उन मुझी भी शिरकत थी हुई कराची में अमानत के तौर पर उन्होंने जसद खाकी के दफनाया वो हो उनखा पोए उतां जड़े हिते ही जाय मिली तो पोए हिते उन्हें दफन किया वो आगा सलीम के नाले से मशहूर हुआ ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में आगा खालिद सलीम के नाले से मशहूर हुआ छा तो खूबसूरत शख्सियत हुई हुए नामवर बेनशा कैसे कैसे जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे तमर फ़कीर जो जो मरकद है जो तक दीदार करायो मां उन में ही फ़कीर मियाँ इस्माइल साहब जो जो मरकद है उनको भी दीदार करा हलां जो खलीफा सोयम आन टा खलीफा हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई जहाँ ये उ खलीफा जिन शाह साई जो यो रिसालो गंज वो रिसालो तरतीब दिनों लिखो लिखाओ पैं निगरानी में हे तमर की आखिरी आरामगाह है जैं पा सवेल परे पास को दीदार कयास ये तमर फ़कीर की आखिरी आरामगाह है जैसे चादर मुबारक नालो भी लिखल है उनके भरसा फ़कीर मियाँ मोहम्मद इस्माइल साहब जो जो टा खलीफा भिटाई जहाँ उन्होंने आखिरी आरामगाह है सो भिटाई के दरगाह जो पोयों व्यू तुझे कैमरा जो तक दिखारे सके तो पा बिल्कुल इन कुंड का मौजूद आयोन पास का हि सजो जहान है शहर खमोशा है जिते मुख्तलिफ़ शख्सियतू आरामी हैं जो तक तो एक कबर में एक तारीख है या तो उनका ताल्लुक शाह साई के खानदान से है या तो उनके खलीफन के खानदान से है या तो शाह साई के फ़कीर मंझा उनको ताल्लुक है हि जो पूरा जहान है जो शख्सियतू सुतल इतने यकीन उन्होंने मंझा हर कें खास अहमियत है पा फर्दन फर्दन हर कें इनफरादी तौर पर जिक्र को कर सकूँ पर कुछ अहम शख्सियत मरकद मुझे दिखारा जिनके बारे में थी सके तो उन्हें जिन शाह साई के रोज़े जो दीदार किया है उन्हें मंझा भी घना अड़ा दोस्त होजन घना अड़ा भेनरू भावर होजन जिनके खबर न हो उन शख्सियत की आखिरी आरामगाह भी इतने है खाहौड़ी मंझा ही चंद बैत पा बुधासे उनसा गड़ो गड़ वाई भी बुधीस जितन पखी पेर तित टिमके बाहड़ी बो बारींदो केर खाहौड़ की खेर रही यो जो सुर है वो यकीन असें अजमे वलवले जो दर्स दे तो असें अगत जो दर्स दे तो उन्हें खाहौड़न जो जिक्र करे तो जिन इम्पॉसिबल के पॉसिबल बनाया एक ज़ाहिर मूसा गुड मौजूद है पुछूस था तो केर है किथा आयो है साई तुम नालो साई मुझे नालो गुलजार अहमद पेचुआ पेचुआ फाटक कदें पौता आते टे चार दिन सर तीन चार दिन का ही जी सर वो किथे पे रहूँ ताे फकीर की लांडी के बिरोजी के लांडी वा तक पैसा वाला या मुफ्त में रहा मुफ्त में रहा साई के बकर की ड्यूटी दींदा देगिन की ड्यूटी दींदा नानपस की ड्यूटी दींदा फीस सभी नजर असं ड्यूटी दींदा हूँ भी असि ड्यूटी दींदा सर तक तीन होंद असा सर सुबह मत तैयारी है जला लाल से वापस जी सर वापस मिटाई को बैत बुदा मिटाई जो बैत तक बुदा पिंजरों थी पुरानो पखी थी न उदास पिंजरों थी पुरानो पखी थी न उदास जन घर में मौजा माणे रात नड़ी दई रहण रात कबर अंधारी सामी सोड़ी खणद जणा चार भिट जो घोर लतीफ़ चे हलणो उते थी जिथे नची हट न को बाजार करे वट सौदो बंदा वंज वापार पो वही थी बंद बंद बाजार जड़ा इंसान के मुँह से मिट्टी अच्छी बाजार बंद थी सर मिटाई जो नालो खी नक कन छोर सर अस माफ़ी घुरू मालकन को माजरत घुरू माजरत नालो नाले वी माजरत था घुरू उनकी माजरत ना घुरू असे तरफ माजरत घुरू गुनाहगार हूँ इबदार हूँ इनके माजरत घुरू कें सिखारो तीन कबो यो सर एक दरवेश उनके दह पैसे खर्ची दींदे हाँ वो बोला असें बुधाई बेत लतीफ़ पाक जो दरवेश हाँ इनसे पैलो कर पढ़ने न रखा कन तो मुझे गुनाह थी न सर को भी गुनाह नी हर कें जी सर जी सर जी सर जी भा तीन इंटरव्यू वो सर वही नाजमीन तुम दिखो तो असा पांधीड़ा जो मुख्तलिफ़ मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखन था मिटाई के पैं पैं अंदाज में हर को समझे तो हिंसर मैं तक दरगाह के अंदर वही वन की कोशिश करा पे तो रश तो तमाम घनी है पर मुझी कोशिश होंगी तो
डेखारे सगा उन दरगाह जा मुख्तलिफ रंग खास तौर पे उ नाजरीन जिन मिटाई की दरगाह से हाजिरी ना भरी हिंसर पा उन मरकजी हॉल में दाखिल पे थे जिते साई जन आरामी आन ये वह चाउंठ है जैखा पा टपूँ पाया खोड़ सारा मू मुख्तलिफ अंदाज में पैंजी हाजिरी भरीन था। दाखिल थे साई ही सामू कटहरों है जै कटहरे में भलारो भिटाई आरामी है ये जी आखिरी आरामगाह है। मरकजी सहन में तह असो कैमरामैन दिखारी इन पैरें जो उ दीवारों दिखारे हि कटहरों तक दिखारों एन कटहरे के अंदर तुर्बतू दिखारीस यकीन मुझे साथी कैमरामैन इमरान तवे दिखारी उ कबरू कें कें पर ही तुम ऐसो तो जो नक्शो नगार जो कम थियल है जो हाला जी काशे जो कम थियल है गुलाम शाह कलोड़े जो इन मकबरे की तामीर कराई भिटाई की जी वफात थे थी 1165 हिजरी में 1752 ईस्वी में त उन तामीर का पो इत जो काशी जो कम थो खास तौर पर जो खूबसूरत नमूने से कुबे से नक्शो नगार जो कम थो कुबे के अंदर नक्शो नगार जो कम है सो गुलकारी है वह काशी ना है पर दीवार से काशी जो कम है वह काशी हाला की काशी है यो गुलाम शाह कलोड़े तामीर करायो वफात का विसाल का फौरन पो तामीर करायो चाहिंदुस तो जेकर मुझे कैमरामैन तक कटहरे के अंदर दिखारे सके क्लोजअप में तो इतने ब तुर्बतू आन इन बिन तुर्बतन के तुम जैसे दिसंद एकड़ी तुर्बत हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई की तुर्बत है यानि साजे पासे वाली तुर्बत जो पा सा भलारे भिटाई की तुर्बत है बी तुर्बत पहरे गादी नशीन सैयद जमाल शाह जी है जेके साईं जन जा रिश्ते में सगा सौट जा पुट थन यानि उन भाइटिया थन लतीफ़ सरकार के पान के को भी औलाद को हो सौट जो औलाद यानि भाज की औलाद की हैसियत से वो जो उन भाइट हो पैरों सजादा नशीन थो ये जो ओरी तुम तुर्बत ऐसो पा सैयद जमाल शाह जी है परी तुर्बत भलारे भिटाई की तुर्बत है। मां तड़ी बी दिलचस्प शिखारी अल मुख्तलिफ एतकाद वा मू अचन था ये चंदे की पेटी है जो औकाफ खाते के पारा इतने रखल है चंदे की पेटी में हर को पैं मर्जी से चंद विझ है पर चंदे की पेटी के हैंडल में तुम ओ त केदा ताला इतने बंद थियल ये ताला भी मुख्तलिफ बासुन जहा ताला इमरान जो तुम क्लोजअप दिखारे सो इन तालन जो तो ये मुख्तलिफ बासुन जहा ताला मू पैं बासू बासे ताला हणी वा उनो यो एतकाद है त जदें असो बास पूरी थी तो अस ताला खोलींदूँ तो ये अजीब एक रवायत है पर बहरहाल हर को मू पैं अकेडमिक लेवल आहर भिटाई के ऐसे तो को भिटाई के पुट डींदड़ की हैसियत से ऐसे तो को भिटाई के मुर्शिद की हैसियत से ऐसे तो को फिक्री रहबर की हैसियत से ऐसे तो हर किस्म जहा हर मकतब फिक्र जो मूँ अचन था जो हाजिरी भरन था पा हिंसर जो डाखिड़ो दरवाजो है उनखा पा बाहर निकरूँ पा यानि पा मरकजी जो हॉल है उनखा बाहर निकतासूँ ये जो उन दरवाजो है इन जो चांदी जो रंग है उनते ये जो शेर कुंदा है जेडो तुझो नाव बाजब ओडियाई मंगा रिय थंभे रिय थूणिए तू छपर तू छाव ये मुझे कैमरा तक दिखारे पी जेडो तुझो नाव बाजब ओडियाई मंगा ये उन दरवाजे के चाउंठ से लिखल है रिय थंभे रिय थूणिए तू छपर तू छाव कुजाड़ो कहाँ तोखे मालूम सबका ही वो दरवाजो है जैखा पा निकरी आयास वरी विरांडे में दाखिल थे विरांडे के एक तरफ का एकड़ी कुंड का वो नादिर नुस्खो मौजूद है जो असुल गंज वारो नुस्खो है भिटाई जो कलाम जो असें शाह के रिसाले की सूरत में मिले तो शाह जो रिसालो वो सरबस्तो नुस्खो वो मुख्तलिफ आलम अदीबन दानश्वर उनके तरतीब नो पहले तो डॉक्टर ऑर्नेस ट्रंप उनके जर्मनी में शाया कराया 1866 में पर बुनियादी जो माखज़ है सो ही गंज शरीफ है जो तक दिखारा जैनों ओरिजिनल असुल नुस्खो दरगाह में मौजूद है जिते मौजूद आए फ्रेम में महफूज है इस्माइल फ़कीर जो लिखल इो जो नुस्खो है इो भिटाई सरकार के विसाल का 80 वरह पो लिखो वो गंज जो मतलब है मजमू गंज जो मतलब है मेड़ तो गंज में
इलाही सारनि फ़क़ीरनि जो कलाम शामिलु आहे, मौलाना रूमी जो कलाम बि शामिलु आहे, इन में माधूलाल हुसैन जो कलाम बि शामिलु आहे, ऐं भिटाई खां अॻु वारनि शाइरनि हज़रत शाह अब्दुल करीम बुलड़ी वारे जो कलाम बि शामिलु आहे। हीअ असल में उहो कलाम आहे जेको भिटाई जे दरगाह ते जेके बि फ़क़ीर ईंदा हुआ, फ़ुकरा जेको कलाम पढ़ंदा हुआ, यानी मुख़्तलिफ़ दरगाहुनि ऐं ख़ानगाहुनि खां ईंदड़ फ़क़ीर बि जेको कलाम पढ़ंदा हुआ, त उन्हनि जा फ़क़ीर उनखे कलमबंद कंदा वेंदा हुआ। त हीउ गंज आहे, मजमू आहे उन्हनि सभिनी जी शाइरीअ जो, जंहिं मां बाद में छंडे छाणे शाह जो रिसालो अलॻि कयो वियो। पहिरियों भेरो 1866 में जर्मनी मां डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप छपरायो, पर ज़ाहिर आहे उनजी तहक़ीक़ी छंड छाण त कान हुई थियल। ऐं उनखां पोइ मुख़्तलिफ़ आलिमनि अदीबनि दानिश्वरनि डॉक्टर होतचंद मूलचंद गुरबख्शाणी, कल्याण आडवाणी, ग़ुलामन शाहवाणी, उस्मान अली अंसारी, मिर्ज़ा कलीज बेग, उनखां बि अल अवाइली मिर्ज़ा कलीज बेग जो नुस्ख़ो, अलम आए काज़ी, उनखां पोइ वेझड़ में डॉक्टर नबी शान बलोच, बानो ख़ान शेख, मुख़्तलिफ़ आलिमनि अदीबनि दानिश्वरनि इन ई गंज मंझां भिटाई जो कलाम उन जे डिक्शन आहार अलॻि करे ऐं शाह जो रिसालो असांखे ॾिनो। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन रिसाले जो आगाज़ जंहिं बैत सां थिए थो भिटाई जो, उहो मशहूरु ज़माना बैत आहे, वढियल थी वायूं करे कुठल कूकारे, ऐं इहो बांसुरीअ लाइ चयल आहे त उहा उनजे अंदरि एॾा सोराख ऐं छेद आहिनि जेका जॾहिं वॼे थी त उहा पंहिंजनि खे यादि करे थी ऐं पंहिंजनि खे सिक ऐं उकीर मंझां यादि कंदे उहा रोए थी। त इन बैत सां आगाज़ थिए थो गंज जो, ऐं हूअं शाह जे रिसाले जी जेका तरतीब आहे उन में घणो तणो जेको कलाम आहे सो कल्याण मां खां ई शुरू थिए थो, छाकाणि त अलाह जी सारा आहे ऐं अवल अलाह अली माला आलम जो धणी पहिरियों बैत आहे जंहिंसां शाह जे रिसाले जो आगाज़ थिए थो। मां तव्हांखे हींअर असां वरी साॻिए विराने में पहुची वियासीं जिते उन दालान में पहुची वियासीं जिते शाह जो राग जारी आहे, पर मां वरी वापसि तव्हांखे उन ई दालान में वठी थो हलां पियो जितां पाण भिटाईअ जे रोज़े मंझां ॿाहिरि निकितासीं। ऐं ॿाहिरि निकिरण सां ई जीअं पाण ईंदासूं त शाह साईं जे वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत शाह हबीब जो रोज़ो आहे, पर मां तव्हांखे हीउ रंग बि ॾेखारींदो हलां त हीउ रंग बि मेले जो रंग आहे, छाकाणि त भलारे भिटाईअ सां प्यारु कंदड़ उन जा प्रेमी, हर मकतब फ़िक्र सां तालुक़ु रखंदड़ हर रंग नसल मज़हब जा माण्हू, सिख, ईसाई, मुसलमान, क्रिश्चन, हिंदू, सभई हर मकतब फ़िक्र सां तालुक़ु रखंदड़ भिटाई जा जेके प्यारु कंदड़ आहिनि उहे कौड़े कनि सलाम जो आसण उनजे उहे अचनि था। हीअ मां चाहींदुसि त तव्हांखे बोर्ड ॾेखारियां जंहिं कुबे में मां दाख़िल थियां पियो। हीउ कुबो बिल्कुलु नवाह में मौजूदु आहे, मर्कज़ी कुबे जे जेको शाह साईं दरगाह जो मर्कज़ी कुबो आहे, रोज़ा मुबारक हज़रत शाह हबीब वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई, इन पाण अंदरि दाख़िलु थींदासूं जिते हज़रत शाह हबीब जो मर्कज़ आहे उन्हनि जी आख़िरी आरामगाह आहे। ऐं तव्हां ॾिसो हीअ जेका मर्कज़ी कटहरे में जेका क़बर आहे सा हज़रत शाह हबीब जी आहे। हिकिड़ी दिलचस्पु ॻाल्हि, हज़रत शाह हबीब खे औलाद कोन थींदो हुयो ऐं उन्हनि जे मुतादिद शादियुनि जे बावजूदु बि जॾहिं औलाद न थियो त हिकिड़ो फ़क़ीर हुयो जंहिंजो नालो हो अब्दुल लतीफ़, ऐं हज़रत शाह हबीब उन्हनि वटि विया ऐं उन्हनि चयो त मूंखे औलाद कोन थो थिए। हुननि चयो त तोखे औलाद हाणे ज़रूरु थींदो, पर जेको औलाद थिए त उनजो नालो मुंहिंजे नाले ते रखिजांइ, यानी अब्दुल लतीफ़ उनजो नालो रखिजांइ। हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई खे पहिरीं ज़ाल मां वरी बि मुतादिद शादियुनि जे बावजूदु बि पहिरीं घरवारीअ मंझां हिकिड़ो पुटड़ो ॼाओ, उन्हनि जो नालो हुननि अब्दुल लतीफ़ रखियो, पर रिवायत मुताबिक़ उन्हनि जो जल्द इंतकाल थी वियो। ऐं उनखां पोइ वरी हिकिड़ो ॿियो पुटड़ो पैदा थियो जेको हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई हुयो, ऐं उन अब्दुल लतीफ़ बुज़ुर्ग इहा अॻकथी कही त उहो जेको अब्दुल लतीफ़ जंहिंजो नालो तूं अब्दुल लतीफ़ रखी, उहो नाबगाए रोज़गार थींदो, पूरी दुनिया में जग में मशहूरु थींदो पंहिंजे फ़िक्र जे करे, पंहिंजे कलाम जे करे, पंहिंजे आफ़ाक़ी पैगाम जे रस्ते। त उहो जेको पुटड़ो जंहिंखे अता थियो उहो हज़रत शाह हबीब आहे, ऐं हज़रत शाह हबीब दीनी तालीमात जे हवाले सां, क़ुर पाक जी तालीम जे हवाले सां भलारे भिटाई जा उस्ताद बि हुआ, उन्हनि जा पहिरियां मुअल्लिम बि हुआ, छाकाणि त आख़ुन नूर मोहम्मद भट्टीअ वटां हुननि रस्मी तालीम हासिलु कई। पर जेको क़ुर पाक जो, हदीस जो, फ़िक्र जो जेको इल्मु आहे सो हुननि हज़रत शाह हबीब खां सिखियो, ऐं हज़रत शाह हबीब जी हू पंहिंजे वालिद बुज़ुर्गवार जी हैसियत सां बि, हुन सां गॾो गॾु पंहिंजे मौलम जी हैसियत सां बि उहे एतराम कंदा हुआ। हिते ॿिया बि मर्कज़ आहिनि, मुतादिद मर्कज़ आहिनि हिन कुबे जे अंदरि। मां चाहींदुसि त मुंहिंजी कैमरा तव्हांखे उन्हनि खे बि, उन्हनि जो बि दीदार वठाए, ऐं उन सां गॾो गॾु हिन कुबे जे अंदरि जितोणीक हिन जो कुबो जेको आहे सो अछे चुन सां ठहियलु आहे, पर हिन जे दीवारुनि ते वरी बि हाला जी काशीअ जो कमु थियलु आहे। ऐं हीअ हिन कुबे जी जेका माप आहे उहा जेको मर्कज़ी कुबो आहे शाह साईं दरगाह जो उनखां नंढी आहे, पर हीअ उनजे नवाह में ई मौजूदु आहे। हिकिड़े नंढड़े सहन टपण खां पोइ पाण हिन में दाख़िलु थींदा आहियूं। त हीअ हज़रत शाह हबीब जो कुबो आहे जंहिंमें पाण मौजूदु आहियूं, ऐं उते हज़रत शाह हबीब आरामी आहिनि, यानी वालिद बुज़ुर्गवार उन्हनि जे सेरांदीअ खां ई
पैंजे फर्जंद अर्जुन अंदर जी सहरांदी खाए मौजूद आहन जेके उते आरामी आहन बिटाई जी बारगाह में पाण मौजूद है मुझे पसमंजर में मौजूद आहे वह मस्जिद जेका भलार बिटाई जे रोजे जी मस्जिद आहे रोजे सा बिल्कुल मुल्हिका मस्जिद आहे भित भित सा आहे जी मरकद जो जी मकबरे जी भित पूरी थे थी तो ये मस्जिद शुरू थे थी बिन्हीं जहा सहन पाण में मिलल जितोणीक इन मस्जिद जो सहन कुछ उन का नंढो है ये मस्जिद बुनियादी तौर पर उही अवायली मस्जिद है जहाँ बिटाई के मकबरे से गड तामीर थी यानी जो तुम्हें तो गुलाम शाह कलोड़े जो मकबरों तामीर कराया तो उन गड मस्जिद तामीर थी इहा असा वट रवायत यकीनन पुरानी है त जिते भी को मकबरों तामीर थी तो उन मस्जिद है मदरसों भी तामीर थी तो असा सिंध के मुख्तलिफ़ दरगाहों में सिंध जो मुख्तलिफ़ जो खानकाहूँ उनमें जिका भी मज़ार की तामीर है उन मज़ार की तामीर से गड मस्जिद की तामीर भी थियल है मैं इतने तक दाखिल थे डेखारी हल तो ही पर्यों उन दालान है जी अस दाखिल थूं तो पे उन विरांडो है मस्जिद जो है छत भी उहा ही पुरानी है 250 साल पे तामीर थियल है इन जो भित्तियों उन काशी जो थियल कम है खास तौर पर इनके थंबाइन उ संगमरमर जहा तामीर थियल छत में जो शहतीर जो कम है सो शहतीर काठ जहा शहतीर के विच में जो सिरू हैं से काशी जो ठहल हैं छत जो सिरू नीरी काशी से उनसा गड़ो गड़ नासी रंग की काशी से ठहल पा इन विरांडे का अंदर जैसे मेन हॉल में दाखिल थूं तो उत कुछ शीशे जो कम भी नजर अचे तो मुझे पस मंजर में तक नजर इंद मस्जिद के भितिन से मुख्तलिफ़ जान तक यो शीशे जो कम भी नजर इंदे खूबसूरत तजीन आरइश से सिंगारल ही मस्जिद है इन मस्जिद का कुछ हिस्सा रिनोवेट थी बाद में भी मरम्मत थींदा रहा है उन ठाह संवार सिंगार बाद में भी रही है पर बुनियादी इन जो मस्जिद जो स्ट्रक्चर है वो ओतरो ही पुरानो है जितो ही मकबरों पुरानो है मकबरे की तामीर बिटाई साई जी बिटाई सरकार के विसाल का फौरन पो थी ये मस्जिद भी ओतरी तारीख़ी है जितो मकबरों तारीख़ी है यकीन तौर पर वक्त गुजरण से गड आहिस्ते आहिस्ते हर शे जी कमज़ोर थे थी तो बिटाई के मकबरे के भी प्रिजर्व थे जरूरत है तो जो वरी उन उम्र इंदड़ कुछ सौ साल ताई वरी नई ताज़ी थी वे बहाल थी वन मुख्तलिफ़ मौसमी असर थियन था बरसातों थियन थी तूफान थियन था तो उन असर इमारतों भी थे तो मुख्तलिफ़ वथुन जी तो इन मस्जिद की भी जी मरम्मत थी रही है पर उन बुनियादी स्ट्रक्चर की भी मरम्मत थियण जरूरी है चाहे वह ये मस्जिद हुए या बिटाई सरकार जो जो मेन रोज़ो है उन मरम्मत भी थियण घुर्ज हि जो शीशे जो कम है इतने दीवार से ही असा उन बयान मिले तो मोहम्मद शफीक शीशे वे यो कम का तारीख रकम थियल को पर हि कराची जो शीशे जो कम कड़ हो जै यो कम है तारीख रकम थियल हो तो अस रहनुमाई थे तो ये शीशे जो कम इनते कें थो है बहरहाल काशे जो कम हो या शीशे जो कम हो या अछे चुन जो गुलकारी जो कम है ये समूरा कमरा ढा खूबसूरत है मुझे कैमरा जैसे पूरा हॉल दिखारे सके तो उनको मजमू जो नज़ारो है निहायत खूबसूरत लगन तर्ज तामीर के लिहाज का भी गुलकारी के लिहाज का भी ये मस्जिद पैं मट पा है कुछ हिस्सा उन अड़ा जिन हिस्सन मंझ खास कर छत जहा हिस्सा जाते गुलकारी कुछ ड्रही वही है जैसे प्रिजर्व थे जरूरत है जैसे रिन्यू थे जरूरत है असर नौ उन चिटसाली थे जरूरत है बहरहाल ये जो मस्जिद है इन मस्जिद की हुसन उनकी जो सूह है उनको जो हुसन है वो पैं जहाँ मुसम्मम इन तारीख़ी हैसियत भी पैं जहाँ यकीनन ओतरी पुरानी है जेतरी शाह साईं के रोज़े की नाज़रीन इन वक्त में मौजूद आया भलारे भिटाई के अंगण में भलारे भिटाई जो जो मरकज़ी सहन है उन दरगाह जो मरकज़ी सहन है उन पेरी वो जो इब्तदाई सहन है जिता पा दरगाह में कड़े भी तरफ का दाखिल थे तो सभी का पे इन सहन में दाखिल थबो है तवा जो तारुफ़ पेरे इतने नसब थियल अलम पाक से कराइंद हल यकीनी तौर पर असई जानू था तो गाज़ी अब्बास अलमदार की याद में उनसा मनसूब अलम जिते भी नसब थियल हों तो उनको खास मुकाम है खास उनको एहतराम हों ये जहाँ जै अलम जो तारुफ़ आऊँ तक कराया पो एक शख्सियत पा सभी जानू था
गुलाम शाह कलोड़ो जो कलोड़ा हाकिम हो वो शाह साईं की दुआ से पैदा थो हो गुलाम शाह कलोड़ो माई गुलाम पैदा थो जैंखे शाह साईं दुआ दिनी और गुलाम शाह कलोड़ो की विलादत थी उहा भी माई गुलाम हुई हिय भी माई गुलाम है जै हि अलम नसब कराया है पर हिय गुलाम असाजे माजी करीब वाले दौर की आई तख्ती में तक दिखारी हलां जैसे भिटाई जो बैत तहरीर थियल है उनको लिखल है शाह अब्दुल्लतीफ भिटाई की दरगाह शरीफ के पधर में अलम पाक जो तोहफो माई गुल्ला ज़ाल मंठार अली वलद सोद सोडो खान भट्टी जेका टंडो लहार जी हुई उन इतने लगरा जी तारीख भी इतने रकम थियल है 27 मुहर्रम 1431 हिजरी यानी 14 जनवरी 2010 ईस्वी अज का 9 साल अग में ही अलम पाक लगल है जो उन मरकजी सहन में है जो पर्यो इब्तदाई बुनियादी सहन है जैमें पा दाखिल उन पा शाह साई के दरगाह के सहन में दाखिल तो मू तमा नाजरीन के लिए पा जन दरगाह जहाँ मुख्तलिफ़ हिस्सा दिसूँ पे तो उनमें ही अलम पाक सभी का पैं तव भलीकार चवन जी ही पा दरगाह में दाखिल नाजरीन इन दरगाह के अंदर नंढड़ी नंढड़ी अड़ी जो जिनके बारे में शायद घन नाजरीन के असान के खबर न हो जो तुम्हें तो ही पे अंगण है जैमें पा दाखिल था में दाखिल थे जहाँ 3-4 रस्ता लांडिन वे पास का दाखिल थी सके तो हवेली वे पास का दाखिल थी सके तो जो मरकजी एंट्रेंस है जिता पा दंबूरा चौक का दाखिल थी जैसे भिटाई की दरगाह तंदा तो उन सहन में दाखिल थे ही जो है हि स्पेस जो मुझे भरसा है जैसे चौधारी कटड़ो दिनल है हि सुहाय सूमार जो मच चवराबो है हर महीने के पहरे सूमर से जी असाजे सिंध जो अख्तर अक्सर दरगाह में ये थन्द है तो उत माह पे सूमार उत उन तकरीबा थन्द मच बरंद है वो मच बरण का सजाद नशीन जायरीन से गड दुआ कह है जाहिर तो वह इज्तमाही दुआ दुआ खैर होंगी है तो सांझी टाणे का जाए से जै जाए हि कटड़ो है इतने सुहाय सूमार जो मच बरंद है बाह बारी वेंदी है बाह बारण का सजाद नशीन इतने दुआ घुरंद है खैर बरकत की दुआ इनफरादी तौर से सभी के लिए भी सिंध की सलामती के लिए भी जो भिटाई दुआ कई तो साइम सदाई करी मथे सिंध सुकार दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी ए सुहाय सूमार जो जदे मच बरंद है तो ये वह जाय है जिते सजाद नशीन वेंद है इनके तख्तगाह वेंद है तख्तगाह की जाय इतने सजाद नशीन विराजमान थन्द चौधारी सहन में जायरीन ए भिटाई जहाँ मुरीद मौजूद होंदा जे उन दुआ खैर में शिरकत कह इनफरादी तौर पर भी खोड़ सारा अड़ा जायरीन ए भिटाई जहाँ मुरीद भिटाई जहाँ पोलग ए मौतकद हूँ जे इनफरादी दुआ के लिए भी सजाद नशीन से मिलना तो उहा जाय है जै जाय ते सजाद नशीन वेही दुआ कंदो आहे माह पहिरें सूमार जी सो साईं मुंहिंजा कौड़े कायाऊं लखन तुंहिंजूं लख हज़ार जीउ सभ कंहिं जी असीं दर्शन धारो धार प्रियम तुंहिंजा पार कहिड़ा चुई कहिड़ा चवां भिटाईअ जे हिन दरगाह में जॾहिं असां अचूं था त दुनिया वांगुरु हिते असांखे 100 रंगनि जा माण्हू नज़र अचनि था सादा सलूणा असांजा मारूड़ा झांगेड़ा डोथीड़ा मुख़्तलिफ़ मकतबी फ़िक्र से तालुक रखंदड़ मुख़्तलिफ़ अकेडमिक लेवल्स से तालुक रखंदड़ के भिटाई के स्कॉलर समझी अचन था के भिटाई के मुर्शिद समझी अचन था के भिटाई के मुरादू पूरी कंदड़ समझी अचन था के भिटाई जो पैगाम समझण अचन था के भिटाई का पैं जे मुरादू आन उ पूरी कराण अचन था मैं वरी उन किरण के वण के हेठा मौजूद आया जैसे तारुफ थोड़ी देर पहले तक करायम दरगाह का निकरण का पैर मां चाहम तो तक मोकलें उन ही जाए हूँ तो खैर ये जो किस्सो है जी उर्दू में चबो है तो मदह तमाम हुई और हर्फ बाकी हैं सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए तो बहरे बेकरां है भिटाई जो जो जिक्र कहूँ जड़ी अलग केतन ट्रांसमिशन्स असन लालन लाल लतीफ़ चे जो चई वो सदन तई
कायम ए दायम आए हर दौर से रिलेवेंट आए तेजे करे मां तवां सबनी जी तशनगी बाकी रखंदे पाण भलार भिटाई जे दरगाह खां बाहर निकरूं था इन नगरी जा बिया मुख्तलिफ रंग मेले जा बिया मुख्तलिफ रंग तां खे दिखारियूं था छाकाणि त अॼु टी धमाल आहे टी धमाल खां पोइ सुभाणे मेलो इख़्तिताम पज़ीर थींदो पर भिटाई जे फिक्र जो सिलसिलो जारी रहंदो ऐं उहो जारी रहणु घुरिजे हर दौर सां उनजी रिलेवेंस आहे ऐं असांखे भिटाई खे पंहिंजे फिक्री रहबर जी हैसियत सां अॻियां करणो पवंदो ऐं उनजे बहितर मंझां रहनुमाई वठी असांखे पंहिंजी ज़िंदगी जा ॾस ऐं घस तलाश करणा पवंदा।